बात करें। जय कृष्ण टू ऑल, राधे राधे टू ऑल, राधे राधे, राधे राधे राव, राधे राधे, राधे राधे सर, राधे राधे टू ऑल, जय कृष्ण टू ऑल। स्वागत है आप सबका आज के इस वेबिनार में। आज बात करेंगे एजुकेशन वेबिनार। संदीप सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सो स्वागत है आप सबका आज के इस वेबिनार में। आज वेबिनार है एजुकेशन वास्तु, ये वास्तु एजुकेशन, ये तो आचार्य जी बताएंगे। आचार्य जी के बारे में आप सबको वैसे तो पता है, बहुत से बच्चे इस बार नए भी जुड़े हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा। प्लीज प्लीज, आचार्य सुमित रावल जी पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और मोर देन 12,000 इन घर, मतलब वो तो 10,000 का रिकॉर्ड रखते हैं, पर उसके बाद का जो रिकॉर्ड है मेरे पास 12,000 हाउसेस का, मतलब घर, मकानों को घर बना चुके। मकानों को घर बनाने का मतलब ये होता है कि आप अपना आधा जीवन और पूरी पूंजी लगा के एक मकान खरीदते हैं और जब उसमें रहने जाते हैं तो उसको घर बनाते हैं। पर घर तब बनता है जब सुख शांति समृद्धि आती है, अगर वो नहीं आती है तो उसके कहीं ना कहीं वास्तु उसका एक कारण हो सकता है। तो आचार्य सुमित रावल जी ने मोर देन 12,000 हाउसेस को, मकानों को घर बनाया है क्योंकि उसमें सुख शांति समृद्धि का वास कराया है। साथ ही उन्होंने एक पूरे इंडस्ट्री एरिया का उत्थान भी कराया है और मोर देन 2,500 इंडस्ट्रीज, और इसमें मैं ब्रांडेड नाम लूं तो नाम कम पड़ जाएंगे, उनके फेसबुक पेज पे देखेंगे तो एक से बढ़कर एक ब्रांड नेम्स के साथ उन्होंने, मतलब बड़ी इंडस्ट्री, जहां आपके घर में कर्टेंस आप यूज कर रहे हो तो वो जो प्रोडक्ट यूज करते हो, ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज उन्होंने की है जी। राइट, रिसोर्ट, होटल, मॉल्स, दैट इज डिफरेंट पार्ट, वो तो काउंटलेस है, उसको मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ, बट जो ये चीजें। तो हमारा सबसे पहले उद्देश्य जीवन का एक ही होता है, वो ये होता है कि हम एक मकान लें। मकान लेने, अगर आप अपने किराए के मकान में रह रहे हो तो उसके अंदर भी ऐसा वास्तु किया जाए कि ताकि आपकी विश फुलफिल हो सके, अपने मकान में जा सके। मकान लेने के बाद सबसे पहले हम बात कर रहे थे सुमित रावल जी से, यही बात आई कि अगर कोई आदमी प्लेटफॉर्म पे सोता है जी तो उसका मकान कैसे बनेगा या उसका वास्तु कैसे करोगे। तो सुमित रावल जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि उसका हम हेड जो है साउथ की तरफ कर देंगे ताकि उसको पॉजिटिविटी वहां से भी मिलनी शुरू हो जाए। तो सोचो, सोच कितनी जबरदस्त है कि ये नहीं है कि नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप सिर्फ इसको साथ जुड़ के अपने लाइफ में चेंज देखना चाहते हो। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है सुमित रावल जी का। और किसी भी गुरु के लिए सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है कि उसका स्टूडेंट उससे भी आगे निकल जाए। आई एम थैंकफुल टू गुरु जी, मेरे जो सुमित रावल जी हैं स्टूडेंट हैं न्यूमरोलॉजी के, तो ये किसी भी गुरु के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जी राहुल भाई, तो मैं यही कह रहा था, जब मकान आपका बन जाता है तो उसको घर बनाते हैं, परिवार वाले सब मिलके उसको घर बनाते हैं, पर छोटी छोटी गलतियों से, एक छोटे से वास्तु के दोष की वजह से वो मकान ही रह जाता। तो उसको सुख समृद्धि के साथ कैसे कंप्लीट करना है वो हम आपको बताते हैं। और ये क्लासेस इसीलिए कराई जाती है इतने लेस कॉस्ट में कि जब आप घर में इस परेशानी से वास्तु कंसल्टेंट को आप बुलाते हैं तो दे आर चार्जिंग अमाउंट और अ बिग अमाउंट, और उसका थोड़ा फोड़ी अलग। आचार्य जी की खासियत है कि आपको खरोज भी नहीं लगानी मकान में, कि आपके मकान में ऐसी रेमेडीज करने से ही वो फायदे हो सकते हैं जो वास्तु दोष दूर हो सकते। तो ऐसा एक अद्भुत अनुभव वाला व्यक्ति आपको सिखाएंगे, जिनके पास अनुभव है वही सिखा सकता है, उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा। ये वास्तु एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसमें ये नहीं है कि इसका ये आएगा तो ऐसा आएगा, उसने प्रैक्टिकल करके देखा है कि ये इस चीज का ये रिजल्ट है। और एक के ऊपर नहीं, ऐसे हजारों में, सैकड़ों में नहीं बोल रहा हूं मैं, हजारों में बोल रहा हूं। तो उन हजारों प्रैक्टिकल्स के बाद आपको तो वही चीज आपको सिखाया जाएगी, आप अपना, अपने परिवारजनों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों मित्रों का, एज ए कंसल्टेंट अपने क्लाइंट्स का भला कर सके, उत्थान कर सके, ताकि आपका तो हो ही हो और आपके साथ आपके समाज का भी उत्थान। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा आचार्य सुमित रावल जी का। आचार्य जी जय जयकार, राधे राधे, जय गुरु जी। जय गुरु जी, सुमित भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जयकार सर, जय जयकार, जय जयकार, सबकी जय जयकार, प्रभु की जय जयकार। कैसे हैं आपके पिताजी? आप पिताजी ठीक हैं, पहले से बहुत बेहतर है।
और आज प्रिविलेज है देखो कितनी बड़ी कि हम मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर के केबिन से ये कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये शिद्दत होती है काम के प्रति डियर। आप चाहते तो मना भी कर सकते कि रियली डियर मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, आई एम सॉरी, बट आपने अपना फर्ज पूरा निभाया। सबसे बड़ी बात यही है डियर, सर वेट कर रहे होते हैं सर लोग, तो हम कैसे तोड़ रहे हैं। यहां मेरे मित्र हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कुंज बिहारी, मैक्स में आज वो राउंड पे आए किसी और से मिलने, तो गले लग गए, कह रहे सुमित भाई यहाँ कैसे, मैंने फादर को लेकर आया हूँ। मैंने यार भाई अब आ गए तो एक काम करो कि मुझे अपना कैबिन दे दो रात के लिए, ठीक है। उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने कहा कि हेड सिक्योरिटी से बात करो, मेरी बात कराओ और अपना कैबिन आप रात को देखो 9 से लेकर 11 बजे तक हम किसी डॉक्टर के कैबिन में बैठे हुए। तो सब प्रभु की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सब आनंद है नमा है। और देखो आज मेरे जो मेरे पास जो कागज है जो मैं यूज करता हूँ कुछ कुछ लिखने के लिए, उसमें पूरे मैक्स लिखा। आज प्रिस्क्रिप्शन मतलब वास्तु डॉक्टर हो गए सर, आज डॉक्टर आरएक्स हो गए है ना, आरएक्स हो गए, तो प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर आचार्य सुमित रावल, राइट जी। सो मेरे पिताजी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं है ना जी, जी जी। तो सीपीएमटी एम्स उस समय बीएचयू ये एग्जाम्स होते थे, तो दो दो चार चार नंबर से रह जाता था। तो अब समझ में आया कि प्रभु ने मकानों का डॉक्टर बनाना था, मेरे मरीज बड़े हैं, मेरी गोलियां बड़ी हैं, मेरी फीस बड़ी है, तो इसीलिए सब कुछ बड़ा बड़ा रखा हुआ उसने। क्यों सर? बिल्कुल बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज हम हॉस्पिटल का वास्तु करते हैं, डॉक्टर्स हमारे क्लाइंट्स हैं। Yes, मतलब जिन लोगों को लोग भगवान मानते हैं, तो हम तो ये है नहीं, डॉक्टर भगवान होता है ना, तो कभी कभी भगवान भी पूछ लेता है भाई। तो उनके साथ भी आ सकती है सुमित भाई, चाहे आईएएस ऑफिसर है, चाहे आईपीएस ऑफिसर है, चाहे डॉक्टर है, हमारा काम ही यही है दुनिया की हेल्प करना, उनको एजुकेट करना। जो बांटोगे वो पाओगे, ऐसा मेरे गुरु जी कहते थे है ना, और सब लोगों को पता है जो बांटोगे वो पाओगे। तो हम खुशियां बांटते हैं कई तरह की वास्तु के हिसाब से, आपको पता है कितनी तरह की खुशियां, 8 तरह की लक्ष्मी हैं या 16 तरह की बना देते हैं उसको, 9 तरह की 9 निधियां बना देते हैं, तो जिसके जीवन में भी एड ऑन हो जाती है कुछ ना कुछ चीज, कुछ तो भगवान उसका रिवर्ट देता ही है ना हमें, देता ही है। तो खुशियां बांटोगे खुशी मिलेगी, गम बांटोगे गम मिलेंगे, तो क्यों ना हम सुगंध बांटे, खुशियां बांटे। अगर किसी को देना है तो गिफ्ट में अगरबत्ती गिफ्ट करें, ताकि वो सुगंध परफ्यूम गिफ्ट करना है, जो वो लगाएगा तो उसकी खुशबू हमारे जीवन में भी बैठे। और कहते हैं किसी को गुड़ ना दे सके तो कम से कम गुड़ जैसी बात ही दे दे। तो दुनिया में सबसे बड़ी औषधि बताइए सर क्या है, सबसे बड़ी मेडिसिन है कोई क्या? रिंगी टिक्की? रिंगी टिक्की तो नहीं है सर। राकेश भाई ने थोड़ा सा हिम्मत करिए, बताइए राकेश भैया जी। राकेश जी, लक्ष्मी सर, मन से खुश रहना और आपकी हंसी को याद करते रहना। मुस्कुराहट है सबसे बड़ी औषधि है ना जी। अगर किसी के साथ कोई दुखियारा भी आ जाए और आपने उससे मुस्कुरा के ही बात कर ली, तो वो भी बहुत जबरदस्त वाली बात है। जैविन सर ने कहा प्रेम, बिल्कुल प्रेम तो होते होते होता है ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता, ऐसा मैंने सुना है। आपको किससे हो जाए, मुझे तो वास्तु से हो गया। तो मुस्कुराहट आप किसी को लिए भी दे सकते हैं, और अगर आपकी जेनरस मुस्कुराहट है, जेंटल मुस्कुराहट है, जिसके पीछे कुछ पाने का भाव नहीं है, तो उससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। नहीं जो सर, बिल्कुल सर। अब मेरी तो कनी मुस्कुराहट है, मैं क्या करूं। आपको नहीं जानते हैं जी, अगर आप और मैं मान लो किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं खड़े हैं और सिर्फ मैं आपको देख के मुस्कुरा दूं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट अपने आप आए जी। उसका मैं एक और सूत्र बता देता हूं सर जी। बाई चांस हम लोग सब लोग कार चलाते हैं जी, आपकी कार किसी दूसरे की कार से भिड़ जाए, तो उतर के लड़ना नहीं, मुस्कुराना बस खाली, यार भाई गलती हो गई, यार भाई जोड़ दे। नहीं वैसे सर, सर जी एक बात बताओ, ये काम मैं कई बार कर चुका हूँ। अरे यार भाई बता क्या करूं यार, बता जो सजा देगा वो मान लूंगा, वो कहेगा चल छोड़ मैं ही करा देता हूं, ठीक ठाक। वैसे आचार्य जी एक बात, आपके दुनिया में अपने मित्र तो अलग होते होते हैं, स्माइलिंग फ्रेंड बहुत अलग होते हैं जी। व्हेन यू ट्रैवल, व्हेन यू ड्राइव, आप लोकल मार्केट में जब जाते हैं तो बहुत से ऐसे दुकानदार, या आपके कहीं ट्रैवल कर रहे होते हो तो बहुत से लोग आपकी मुस्कुराहट से आपके मित्र होते हैं
जो आपको नहीं जानते। पक्का राहुल, अगर किसी को फंसाना है ना, उसकी गाड़ी के सामने खड़े होकर उसे मुस्कुरा के ऐसे नमस्ते कर दे रहा, तो सारी दिन सोचता रहेगा ये ताक और और किसी को डराना है तो क्या करेंगे, मस्त तो वो भी कर देगा पर सारी जिंदगी सोचता रहेगा ये ताक और किसी को डराना हो तो क्या करें सर, तो गाड़ी पत्थर मार दूंगा। ना ना ना, ऐसा नहीं करना कभी जिंदगी में, हिंसा के तो हम बहुत खिलाफ है जी। फिर एक नींबू लो, उसे चार भागों में काटो, ठीक है, फूक मारा था खांसी नहीं करने, फूक मारने छोटी मोटी मतलब, और उसके पैरों पे ऐसे पटक दो और वापस चले जाओ, बस सारी उम्र के लिए हो गया। उन्होंने कहा मेरे साथ क्या कर दिया यार इसने। तो बिना उसके वो डर जाएगा। खैर हमारा काम नहीं है ये डराना, हमारा काम तो भय को मिटाना है, जो भ्रांति है उसको दूर करना है। तो देवेंद्र भल्ला साहब क्या कहना चाहते हैं जी? भल्ला साहब जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। सर वो जय गुरु जी से जय जयकार। सर वो सुमित जी ने परसों मुझको एक विश मांगी थी कि मेरे पोस्टर मुझको कुरियर कर दें, राहुल जी ने आज ही मुझे एड्रेस भेज दिया है और ये कुरियर सर आपका रेडी है सर, कल चला जाएगा सर। क्या बात है सर, क्या बात है, कोटी कोटी सलाम सर, कोटी कोटी धन्यवाद सर। ये मेरी ये ब्लेसिंग सर आपकी मुझे मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया सर। बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, अपने साइन कर दीजिएगा अल्लाह साहब पीछे गिफ्टेड बैक, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली कर दूंगा सर। लिख के आप प्लीज आप अपने सिग्नेचर से साथ देंगे तो वो याद रहती है, यादगार। एक बार सूर्य की फोटो दिखाओ, लक्ष्मी मैम को देखनी है एक बार सूर्य। मैं सभी दिखाता हूँ सर, एक एक करके। हाँ, ये लक्ष्मी मैम को देखनी है तो पहले लक्ष्मी जी की देखिए सर। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, भगवान शंकर की जी, बहुत बढ़िया, नॉर्थ ईस्ट। ये सर अपने डॉक्टर मंजू मैम की जी, नॉर्थ वेस्ट जी। ये सर आपके सूर्य भगवान सर, लक्ष्मी मैम आपके सूर्य भगवान आ गए। जो मैं आपको कह रहा था कि 90 डिग्री ईस्ट में इनकी फोटो लगा लो और अगर इनका आशीर्वाद मिल गया तो 3 लाख रुपए आ जाएंगे, सारे कोर्सेज कर लेना जो आप 3540 के लिए सोच रहे हो, 3000 के सोच रहे हो, 3 लाख। ये सर गार्ड, ये गार्ड, nice, great. ये गार्ड बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। डिग्री भी बता दो साथ साथ, 180 साउथ 180 साउथ 180 साउथ। मैं फोटो देखने में लग गया था। अब तो ऐसे सबको वास्तु आ जाएगी, कोई बड़ी बात बिल्कुल आएगी डियर, बिल्कुल आएगी। आप सिखाते इतने अच्छे ढंग से हो। भल्ला जी अटक गए, अटक गया सर, कोई बात नहीं। चलिए सर आज का शुरुआत करते हैं। भल्ला जी प्लीज डियर, धन्यवाद, गजब। तो फुल एनर्जी फुल ऊर्जा के साथ जो भी व्यक्ति बैठा है ऐसे करेगा, ऊपर से एनर्जी को नीचे बुलाइए क्योंकि एनर्जी ऊपर ही बसती है। लंबी गहरी सांसें लीजिए क्योंकि सांसें अनमोल हैं। Aerate yourself, hydrate yourself, be in full swing up to the 10x mark. आपका लेवल 10x होना चाहिए। और मेरे साथ गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबन्कृसानं यानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरानां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वास्तुपुरुष नमस्तेस्तु भूषय्या वीरता प्रभु मद्ग्रहे सुखं कुरु कुरु। सर्वे भवन्तु सुखिना,
सर्वे संतु निराम्या, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निराम्या, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम ओम ओम। आज का कमाल है एक आज हम लोग सर चर्चा कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, कोई 15-20 मिनट पहले मैंने राहुल भाई से पूछा, मैंने राहुल भाई आज के वेबिनार का हमारा टॉपिक क्या है, तो राहुल भाई ने कहा कि वास्तु एजुकेशन। तो मैंने कहा कि इसमें करना क्या है हमने, मतलब वास्तु की एजुकेशन देनी है या एजुकेशन का वास्तु करना है। सर क्या करूं, मैं जनता के साथ हूं तो मैंने डिसाइड किया कि दोनों काम कर लेते हैं आज, है ना। चलो वास्तु क्या है इसके विषय में बता देते हैं, तो वास्तु के एजुकेशन होगी, नॉलेज अबाउट वास्तु, है ना। वास्तु क्या है, वैसे कई कई बार बता चुका हूँ, दोबारा सुनने से भ्रष्ट भी होता है, सही बात तो है। और मैं भी अपने अंदर अंदर जब हम किसी चीज की तह लगाते हैं ना तो उसका बेस मजबूत हो जाता है, तो बेस मजबूत कर लेते हैं। और आपके बच्चों को या आपको, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है और आपको पता है कि मैंने 4000 प्लस किताबें, अब तो बहुत सारी ज्यादा ही बढ़ गई, यहाँ पर भी हॉस्पिटल में भी हम खाली नहीं है, 4 किताब लेकर आए हुए हैं साथ में ना, अगर पिताजी सो गए तो किताब खुल गई, तो वो पढ़ने का शौक है। तो हम अपने आप को सतत एजुकेट कैसे करते रहें इसके विषय में भी बात करेंगे। और उन माओं के लिए खुशखबरी है कि मैं कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ कि बच्चे, चूंकि बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, पता है आपको 10th का बोर्ड शुरू हो रहा है आने वाला है, बिल्कुल 2-4 दिनों में, या चल रहे हैं कुछ एग्जाम्स, तो उनको भी वो हेल्प हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले चालू करते हैं कि अपने स्टार्ट करते हैं, वास्तु क्या है। 5 तत्व और 10 दिशाएं मिलकर वास्तु बनाते हैं। तो प्रमुख दिशाएं जो हैं वो हैं 8, जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, और एलिमेंट जो हैं वो हैं 5। तो पंच तत्व से सारा ब्रह्मांड इससे छूटा नहीं है, अखिल ब्रह्मांड जो है वो पंच तत्वों से बना हुआ। और कहते हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहता है कि जिसका कंट्रोल पंच तत्वों के ऊपर हो गया, जिसको पंच तत्वों की बात समझ में आ गई, पंच तत्वों की कहानी जिसको रुच गई, या पंच तत्वों ने जिसको आशीर्वाद दे दिया, उसका पूरे विश्व के ऊपर कब्जा हो जाता है, ऐसा बोला। तो चूंकि भाई सारा विश्व अखिल ब्रह्मांड पंच तत्वों से ही बना हुआ है, तो हम उसको टैप कैसे करें, वो क्या टेक्निक है कि हम उसको देख पाए। ठीक है, पंच तत्व सब दिख रहे हैं हमारे को, लेकिन उसको एनर्जाइज कैसे करें, उसको एक्टिवेट कैसे करें, जो हमारा काम बन जाए। तो पंच तत्व लिख लें हम लोग या जान लें क्या है। फर्स्ट इज वाटर, पहला तत्व है जल, क्योंकि जीवन कहां से शुरू हुआ था, जल के भीतर से, जल के भीतर से जीवन शुरू हुआ। जब जीवन जल के भीतर से शुरू हुआ और वो फिर आगे बढ़ा, तो बाहर आके वो कहाँ आया, हवा में आया। तो अगला तत्व एयर, प्राण ऊर्जा, एयर। जी सर, जब पृथ्वी पर जीवन जल से शुरू हुआ और उसके बाद वो एयर में आया, तो उसको, उसकी बॉडी को क्या चाहिए थी, गर्माहट, ऊष्मा। तो नेक्स्ट एलिमेंट इज फायर। फायर के बाद उसको क्या चाहिए, एक बेस चाहिए, मतलब एक शरीर चाहिए जो दिख सके। तो अगला तत्व जो उसमें समाहित हुआ वो हुआ अर्थ। तो आपने देखा कि एक कोशिकीय जीव से लेकर डायनासोर तक, जब उसके ऊपर अर्थ एक्यूमुलेट होता गया, तो बड़े बड़े जीव बन गए। और जिस चीज से, सूक्ष्म चीज से जो बनाए हैं जीव, वो है आकाश, आत्मन। तो अगला तत्व है आकाश। आकाश का मतलब क्या हुआ, आत्मा। आत्मा का मतलब सार्थकता, कि कोई चीज बनी है तो वो किस प्रयोजन से बनी है। अगर हमने कोई पेन बनाया है तो वो ही पंच तत्व की मिट्टी से ही बना होगा, नहीं, राइट। कौन सा तत्व है पेन के अंदर, बताओ। जनता से बात करते हैं सर। हाँ बिल्कुल सर, क्या बात करी, सब लोग बहुत
अति विद्वान है यहाँ पे। तो सर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप सबसे कि पेन के अंदर कौन से तत्व हो सकते हैं, तो जवाब देना चाहेगा तो हैंड रेस करके बात कर सकता है। सीताराम जी जी, सीताराम जी जल, पेन में जल तत्व होगा, पेन 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 ये प्लास्टिक का पेन सर, इंक तो जल में आएगी ना, पेन तो बताओ, बॉडी तो बताइए सर, जैसे हमारा शरीर है उसको हम क्या कहेंगे, कौन से तत्व से बना है, प्रधानता किस तत्व की है? गीता मैम, प्रधान तत्व 75% इज वाटर, हमारा शरीर 75% पानी से बना हुआ है, जल तत्व ही है हमारा शरीर, है ना, अखिल ब्रह्मांड जो है वो जल से बना है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें केवल इंक जो है फ्लो जल दिखा रहा है, बाकी ये प्लास्टिक किस चीज को, मेटल, मेटल सर, मेटल, मेटल, अगर मेटल का पेन होगा तो मेटल का पेन वो दिखाएगा, लेकिन तो प्लास्टिक का पेन है जी। प्रशांत जी अनम्यूट करें, गैलेक्सी A31। हाँ ओके सर, पृथ्वी तत्व नहीं, इसमें पृथ्वी तत्व है ही नहीं, मिट्टी का कुछ काम नहीं है इसके अंदर, कोई भार भी नहीं है इसमें, है ना, पृथ्वी तत्व क्या डिजाइनेट करता है, एक वेट डिजाइनेट करता है सर, आया तो पृथ्वी से ही है ना, सब कुछ पृथ्वी से ही आएगा, पृथ्वी में मिल जाएगा। ओके सर, पांचों तत्वों से ही बनता है सब कुछ, नहीं एक प्रधान तत्व होता है, जैसे हमारे शरीर में पांच तत्व का संघात है, लेकिन प्रधान तत्व जो है वो जल है, जल होता है। चलो मैं बता देता हूँ, ये हवा एयर से बना हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक जितना भी है वो सारा इथाइलिन पॉलिथीन से बनी हुई चीज है, पेट्रोलियम पदार्थ है, तो जब हम इसको पॉलिथीन को हम प्लास्टिक में कन्वर्ट करते हैं तो इट्स एन एयर, कितना है? लेकिन उसका रेशियो अलग है, एयर को हमने अर्थ में कन्वर्ट किया, बट बेस जो है इसका, जो पॉलिथीन का जो बेस है वो हमेशा एयर आता है, पॉलीइथाइलीन पॉलीथीन से का बना है। क्या ये साइंस की बात, छोड़ो मारो झाड़ू, कुछ झाड़ू का क्या तत्व है बताओ, एनीबॉडी, ये तो सर ग्रहणी बता सकती है, महालक्ष्मी ग्रहणी होती है सर, सही बात है, पता नहीं प्रयोग का पता है सर, प्रयोग तो पता है कि देखिए एक तो झाड़ू लगता है यहाँ पे और एक फिर पति का मोर बनाया जाता है उसे पीट पीट के, लगता दो जगह सर, दो जगह है, कोई साहिबान बताएगा जो झाड़ू का क्या एलिमेंट, झाड़ू का कोई वुड, वुड होगा सर, वुड होगा, वुड तो पंच तत्व के एलिमेंट में दिखा नहीं मुझे कहीं, जो मैंने बताया अर्थ से ही आया ना सर, जिसने खाए उससे पूछ लेते हैं जी राकेश भाई, जय श्री राधे, जय श्री राधे सर, जय श्री राधे, अब बताओगे तो फंसोगे नहीं सर, नहीं फंसेंगे सर, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, मैडम सर घर पे नहीं है इस करके नहीं फंसेंगे, अरे क्यों, ठीक ठीक है ना सर, अर्थ एलिमेंट ही हुआ क्योंकि लकड़ी जो है उपस्थित तो क्या कहते हैं अर्थ से ही है सर, लकड़ी जो पेड़ पौधे पौधे बनते सर, नॉट एट ऑल, अनु मैम, अनु मैम जिसने सबसे पहले बोला था उन्होंने बिल्कुल सही कहा, वुड, बट वुड एलिमेंट नहीं, वो फेंग शुई में है ना, वुड मेटल कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन साइकिल में, तो वुड बनती है पौधे से और पौधे डेजिग्नेट करते हैं एयर एलिमेंट को, देखो फिर वो एयर एलिमेंट आ गया, कमाल हो गया, तो हवा से पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो बेस तत्व जो है रूट कॉज जितनी भी वुड है वो डेजिग्नेट करती है किसको, एयर एलिमेंट को, क्योंकि पौधे जनरेट करते हैं ऑक्सीजन को और प्राणवायु, अरे मैं खुद भटक जाऊंगा इस सब्जेक्ट से जो मैं आज कहने आया हूँ, तो हमारे देखो कितना गहराई है वास्तु के अंदर, कितनी गहराई है कि आप एक एक को बेस एलिमेंट तक ढूंढ सकते हैं कि आपने जो चीज पहनी है, जो चीज करी है, वो दिख कुछ और रही है, हो कुछ हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा था कि व्हेन पर्सन कंट्रोल्स 5 एलिमेंट ही हैज पावर टू कंट्रोल होल यूनिवर्स, ऐसा नहीं बोला मैंने, इसके पीछे गुड़ता है, तो जैसे जैसे आप इस गुड़ता में वास्तु में बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका कंट्रोल बढ़ता जाएगा अपने ऊपर पंच तत्वों पे, और फिर आप जो चाहेंगे वो पाएंगे, इसीलिए मेरे ख्याल से 1000 बार मैंने कहा होगा वास्तु इज साइंस ऑफ डिजायर मैनिफेस्टेशन, साइंस ऑफ डिजायर मैनिफेस्टेशन, किस चीज के संघात से आप क्या बना सकते हैं, क्या पेश कर दें दुनिया को, वो आपको सुख संपत्ति समृद्धि सब कुछ दे सकता, ग्रेट,
तो आज हमने ये बात तो सबको पता है कि पंच तत्वों से बना, लेकिन पंच तत्वों को फैलाएंगे कैसे, मतलब हम उनको ढूंढेंगे कहाँ पे अपने घर में। ठीक, आप कहेंगे जी पानी ढूंढेंगे हम नलके में कि भाई एलिमेंट जो है वो कहाँ ढूंढेंगे हम, कि वाटर एलिमेंट कहाँ ढूंढेंगे, नहीं नलका खोलो पानी आ गया। ठीक बात है, बात तो सही है, बट आप प्लीज नोट कर लीजिए, आई वॉन्ट टू एड मोर वैल्यू इन योर लाइफ। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वॉटर की, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आर ऑफ वॉटर, एंड वॉटर हैज फ्लो एंड इट डिजिग्नेट मनी, मनी ऑल्सो हैज फ्लो, कैश फ्लो, मनी का फ्लो, लिक्विडिटी, ये सारे टर्म्स जो है अनजाने में यूज नहीं हो रही है सरकार। जो लोग सीए हैं या जो लोग जानते हैं उसको जानते हैं, भाई तेरा कैश फ्लो कितना है, हाउ मच लिक्विड मनी यू हैव, तरलता कितनी है तुम्हारे इंडस्ट्री में, सूखी तो नहीं पड़ी हुई। तो ये सब आगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट प्रोमिनेंट डायरेक्शंस हैं वाटर एलिमेंट की। तो अगर किसी को धन चाहिए, लिक्विडिटी इन धन चाहिए, धन कैसे आता है, एक कैरियर से आता है, आइडिए से आता है, तो आपने ये दो डायरेक्शंस को एक्टिवेट कर लेना है। क्या कर लेना है, एक्टिवेट। इतना प्यारा शब्द है राहुल भाई, एक्टिवेट, है ना, बहुत ही गजब। क्या गजब है इसमें, सब एक्टिव तो एक्टिवनेस से आ गया, वेट मतलब आप उस पे चढ़ जाओ बस, एक्टिवेट कर, बस ये हुई बात, बिल्कुल सही समझ, एक्टिवेट, दम के साथ एक्शन करना है तो वो होगा एक्टिवेट। ठीक, अगली डायरेक्शन है एयर, एयर एयर इज एलिमेंट और डायरेक्शन है उसकी ईस्ट। प्रोमिनेंट डायरेक्शन की बात करूंगा, सब डायरेक्शन आगे भी चल के बताऊंगा, कुछ चीजें कोर्स के लिए छोड़ देंगे हम। ईस्ट, तो ईस्ट को एक्टिवेट करने से क्या होगा, हमारा सोशल साइकिल, डिसिप्लिन, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, ये बढ़ेगी। दुनिया में ओनली 1% पीपल आर ट्रू लीडर्स और 99% फॉलोअर्स है। इसीलिए एलीट ग्रुप के पास सारा पैसा है, जितने भी वर्ल्ड के 1% लोग हैं वो अधिपति हैं सारे पैसे के। कितनी कमाल की बात है ना, 1% लोगों में 50% से ऊपर पैसा, अगर पूरा का पूरा विश्व का इकोनॉमी को देखा जाए और बाकी हम सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बी अ लीडर, एक्टिवेट ईस्ट। और मैं कहूं कि हर परिवार में एक लीडर बसता है तो क्या ये गलत होगा, बिल्कुल भी नहीं सर। नहीं, गृहपति एक लीडर होता है, इट लीड्स हिज और हर फैमिली। अगर आप उन 1% लोगों में नहीं है जिनमें मैं भी नहीं हूं, लेकिन वी आर लीडर्स ऑफ अवर फैमिली, वी आर लीडर्स ऑफ अवर इंस्टीट्यूशन, टीचर्स आर लीडर ऑफ देयर क्लास। टुडे आई एम लीडिंग वास्तुशास्त्र क्लास। लेकिन प्रोएक्टिव लोग जो होते हैं वो 5% होते हैं, कितने परसेंट, 5% सर, 5% लोग होते हैं जो प्रोएक्टिव होते हैं और उनके रिजल्ट्स 1000 times ज्यादा होते हैं। कितने टाइम्स ज्यादा होता है, मोर देन थाउजेंड टाइम्स, है ना। तो जो लोग सोचते हैं वो लोग रह जाते हैं, कर देते हैं, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। सर एक खुशी की बात बताऊं, सर बहुत खुशी की बात बताऊं, खुशी की बात है कि अपने पास इस समय जितने पार्टिसिपेंट बैठे हैं ना जी, मोर देन 70% आर द प्रोएक्टिव गाइस, उन्होंने आपकी सब रेमेडीज यूज कर रहे हैं, जयकार हो। और देखो किसी मोटिवेशनल स्पीकर को मैं सुन रहा था, आई एम वेरी गुड ग्रेट फैन ऑफ दैट पर्सन, उसने कहा कि 5% लोग रूल कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के ऊपर, है ना, 1% तो एलिटली रूल कर रहे हैं, 5% लोग रूल कर रहे हैं, दे आर रूलिंग। तो बाकी 95% क्या कर रहे हैं, बाकी 95% उनका अनुसरण कर रहे हैं या अपने अपने संघर्षों में बीते हुए, हाँ, हर तरह की धत तरह की, पैसा नहीं आ रहा, पत्नी नहीं सुनती, बच्चा नहीं सुनता, तूने मेरे को 500 रुपए में 1 रुपया सगन कम क्यों दिया, 400 रुपए कम क्यों दिया, मतलब टांग खिंचाई में लगे हुए कुछ भी करते रहे। तो
एक फैक्ट्री में एक मजदूर होता है और 3-4-5% मैनेजर्स होते हैं, तो ना काम करता है मजदूर और नाम किसका होता है? मैनेजर का या सीईओ का या एमडी का। कैसे? ये पेन देखिए, उसने यही उदाहरण बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको मैं अपना भाई मानता हूँ, कि ये पेन है, सारा दिन कलम इसकी घिसी जाती है, क्या नोक इसकी घिसती है, ठीक, यही चलता है, यही करता है, थूक भी लगा के हम इसको चला देते हैं, कभी ऐसे भी झटक के हम इसको चला देते हैं, तो सिर खपाई इसकी होती है और वो 5% इसके ऊपर ढक्कन के रूप में आके बैठ जाता है ना। आज मेरे पे मेरा पेन नहीं तो मैं उसको शेफर की यहाँ पे वो दिखाता कि शेफर पेन 16,000 रुपए का, खाली एक बिंदी के कारण है, बाकी उसमें कुछ नहीं है, केवल ये आके ढक्कन के ऊपर बैठ जाता है। और जब शान दिखाने की बात होती है तो ये, हाँ ये शेफर ही दिखा रहा होता है <ना? laughs> तो खाली ये वाला दिखता है। तो प्रोएक्टिव लोग जो है इसके ऊपर, ये मजदूरों के ऊपर रूल करता है, दे नो हाउ टू रूल। पर सर, सर एक बात कि ढक्कन रूल कर रहे हैं बाकी लोगों की बात। हाँ ढक्कन रूल कर रहे हैं बाकी बाकी पूरी चीज के ऊपर, बाकी तो हमें कॉम्युनिटी देखा जाए अकॉर्डिंग ढक्कन बनना है लेकिन सोने का, राइट है ना। हमारे पास जो पेन हो आज चांसिंगली यहाँ पे नहीं है, तो वी मस्ट हैव गोल्डन पेन्स, क्योंकि गोल्डन पेन रखने वाले मुश्किल से 0.5% लोगों ने, जिन्होंने देखा भी होगा कि सोने का पेन कैसा दिखता होता है ना। मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर किसी ने 1,000 रुपए से ऊपर पेन भी रखा हो या यूज किया हो या सोचा हो कि मैं 25,000 का पेन यूज करूँ या 1,00,000 का पेन यूज करूँ, तो नहीं यूज करा होगा। हमें तो वही उसी एलिट क्लास में जाना है जो मॉन्ट ब्लैंक का पेन लेकर आई थी, ये 1,25,000 रुपए का पेन सर, ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट, और किसी नॉर्मल सर को दोगे तो वो करेगा करूंगा क्या, है तो साला प्लास्टिक का ही, बट नहीं, उसकी अपनी एक एड ऑन वैल्यू होती है, उसका एक डॉट होता है जो आपको बताता है कि आपकी वैल्यू क्या है। जैसे किसी ने कहा था कि घड़ियां, सभी घड़ियां क्या बताती हैं? समय। सभी घड़ियां क्या बताती हैं? समय। पर रोलेक्स की घड़ी या रेडो की घड़ी आपका बदलता हुआ समय दिखाती है। समय टाइम तो वो भी दिखा रही है, पर आपकी वैल्यू दिखा रही है कि यस ही इज द पर्सन। हीरे की अंगूठियां हर रात के लिए नहीं बनी होती, तो आपको वो हीरा बनना है, तो आपको प्रोएक्टिवली जो मैं बता रहा हूँ वो अप्लाई कर देना है, कर दे। चलो आज एप्लीकेशन की बात में करेंगे। ईस्ट में हमारा क्या आ रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन। और एलिमेंट क्या है? वो है एयर। तो अगर आपको एयर को रूल आउट करना है तो आपने ईस्ट को एक्टिवेट कर देता है। एयर के साथ क्या होता है? बहाव, फ्लो। विंड हैज फ्लो, तो फ्लो क्या डेजिग्नेट करता है? अगर आपके काम रुक गए हो तो आपको फ्लो में आना है, यू मस्ट बी इन फ्लो। कहते हैं यू मस्ट वर्क विथ फुल स्विंग, तो इसका मतलब आपकी वो स्विंग ना कहीं अटकी पड़ी है। फायर अग्नि का जोन है, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट। हर अट्रैक्टिव चमकती हुई चीज फायर को डेजिग्नेट करती है। समथिंग इज वेरी अट्रैक्टिव इन नेचर तो उसके अंदर इसका मतलब फायर की अधिकता ज्यादा है, और जो मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है चमकने में वो है डायमंड, तो इसलिए दिशा डायमंड्स को पैदा करने में सक्षम है। अट्रैक्शन, अगर आप में अट्रैक्ट होने करने की पावर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। तो अट्रैक्शन जरूरी नहीं कि हम बहुत सारा लीपापोती कर लें या बहुत जाके नाई के पास सैलून में जाके अट्रैक्टिव बने, नहीं, अट्रैक्शन होना चाहिए आपके कर्मों में, वो खुशबू फैलनी चाहिए आपके वर्क से, बिकॉज योर वर्क स्पीक मोर लाउडर देन Yourself। मैंने ये काम किया, मैंने ये करा, मैं इतना कर्म करता हूँ, इतना करती हूँ फलाना धमाका। नो, जो करता है वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज हो जाता है। जैसे द मोस्ट रिकॉग्नाइज पर्सनैलिटी इन दिस वेबिनार इज हु, बताएगा कोई?
सर निशा हमें बताइए, निशा ए बिहानी। संदीप सर। नॉट एट ऑल सर। आप? ओ बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी तारीफ खुद कर लूंगा क्या? सर आज की तो मोस्ट प्रिविलेज पर्सनली आप ही हो सर। नहीं सर, वास्तु पुरुष। Not क्योंकि हम बात कर रहे हैं। नहीं no, इस वेबिनार में नहीं। तो फिर आप राहुल जी देखिए वन प्लस लिए राहुल सर हैं वो, जो दिखते नहीं लेकिन उनके कर्म दिखते हैं, हम सबको जुड़े हुए हैं वो। आवाज आवाज ही आवाज सुनी हमने उनकी, केवल दिखाई भी नहीं देते। मिस्टर इंडिया है, लाल रंग का चश्मा लगा के भी नहीं दिख रहे अब तो ये। अरे खुश हुआ। अरे हमारे प्लेटफॉर्म पे हरा चश्मा लगाना पड़ेगा। हरा चश्मा लगाना पड़ा सर, हरे चश्मे से भी तो दिख जाएंगे कम से कम। राहुल सर तो सर मैंने गलत तो नहीं कहा संदीप सर? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कहा। मोस्ट रिकॉग्नाइज मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, जिसके बारे में उत्सुकता है लोगों में और जिसका काम ऐसा है कि उसने हम सबको जोड़ लिया क्योंकि कर्मों की खुशबू फैल रही है, वो राहुल सर है। जब भी महाभारत शुरू होती थी हरीश भिवानी पहले आते थे, वो घूमता हुआ हमें चक्कर दिखाई देता था। हाँ। और उनकी आवाज सबसे पहले सुनाई देती थी, दिखाई नहीं देता हरीश भिवानी। मैं समय हूँ, मैं समय ऐसे बोल देते ना। तो मैं समय, जो भी हमारा वेबिनार होता है सबसे पहले राहुल भाई की ही इंपॉर्टेंस है। कमाल है ये, मतलब ये साउथ ईस्ट का एट्रीब्यूट है। इसका मतलब इनके साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, है या नहीं राहुल भाई बताओ? बिल्कुल है सर, बिल्कुल साउथ की जो किचन है और पूरी है, पूरी किचन है ना। तो ऐसे आप अट्रैक्शन बना सकते हैं अपने अपने। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो है फायर की। अगली डायरेक्शन, नेक्स्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी इन दिस वेबिनार इज संदीप सर। तो वो साउथ से, यानी उनकी फेम चल रही है, उनका नाम चल रहा है, उनके नाम का सिक्का चल रहा है कि यार संदीप सर के प्लेटफॉर्म का अंकों का खेल, वो उस पर चलेंगे, है ना। तो साउथ वो फेम देता है। तो ये सब एट्रीब्यूट किसके हैं? फायर के हैं। ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं? अग्नि की हैं। और हम कौन सी अग्नि लेकर बैठे हैं? दिल जलाने वाली अग्नि। और कहें दिल जले कुछ नहीं होगा, जितना मर्जी दिल जलाओ, है ना। अरे इसके पास क्या कहते हैं, इसकी शर्ट मेरे से सफेद क्यों, अभी जी की जैकेट मेरे से काली क्यों, है नहीं। इस चक्कर में जल के मरे रहता है। उसने उसने 20 करोड़ रुपए कमा लिए, मैंने 1 करोड़ रुपए नहीं कमाया, मैं 800 में घूम रहा हूँ, उसके पास तो बड़ी गाड़ी आ गई। नहीं, अगर आपका नेम फेम ज्यादा होगा तो अपने आप आपके पास वो सब कुछ आना शुरू हो जाएगा जो आपको चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट है अर्थ। अर्थ को कहाँ ढूंढेंगे अपने घर में? साउथ वेस्ट में। कहाँ ढूंढेंगे? साउथ वेस्ट। अर्थ का मतलब आता ही क्या आता है, अर्थ माँ है और पंच तत्वों की पंच तन्मात्राओं में पूर्ण है, मतलब पूर्णता है। ये कैसे, कितनी पूर्ण है, ये मैं आपको सेमिनार में अपने कोर्स में बताऊंगा और वो भी एडवांस में, इस वाले में नहीं, कि वो कैसे पृथ्वी पूर्ण है, स्थायित्व देती है किसी भी इंस्टीट्यूशन को या व्यक्ति को, स्थायित्व देती है। उसकी बात में गुरुता आती है, गुरुता। आवाज सुनते ही मन करता है यार बस जुड़ जाओ इस पर्सनालिटी से, कुछ तो बात है। और वो सबसे बड़ी पर्सनालिटी हमारे बीच है मोदी जी, है ना। उनकी आवाज में कितनी गुरुता है, जो भी बात करते हैं उसमें। आज वेबिनार की वो पर्सनालिटी आप हो सर। ओ माय गॉड, ये टेबल किसी और का नहीं तो चढ़ जाता। पता नहीं, आई डोंट नो कि मेरी आवाज में कितना भार है कितना नहीं। अरे सर गजब हो सर आप। अच्छा, बहुत भार है तभी आप चमक रहे हो, दूसरा ब्लेसिंग्स आ रही है लोगों की, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद गुरुदेव की ब्लेसिंग। सही बात तो ये है। देखो आप देखो आपने क्या कहा था कि देखो जी मैं वहां से बैठ के जहां भी मुझे जगह मिल जाएगी मैं क्लास लूंगा, लेकिन गुरु जी ने कितना अच्छा आशीर्वाद दिया, आपको रूम दे दिया, पूरा कैबिन है सर, बिल्कुल शांति से बैठ के आप लोगों को आशीर्वाद दो ताकि लोग आपके साथ सीख सके समझ सके। तभी सर मैं वो गुड़ रहस्य सिखा रहा हूँ जो कोई नहीं बताएगा, वो भी वेबिनार में, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं। सेमिनार में नहीं, मतलब अपनी क्लास में नहीं कर सकते। कहाँ से पंच तत्व खोजे, सबको पता है पंच तत्व है लेकिन मिलेंगे कहाँ? बिल्कुल वो मैं आपको बता रहा हूँ, मिलेंगे और आपकी जिंदगी कन्वर्ट होगी, क्योंकि जुड़े हैं तो भगवान ने
किसी कारण से जोड़ा है, सोच समझ के जोड़ा है। बिल्कुल 295 लोग ऐसे नहीं बैठे आज यहाँ की तारीख, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा कोई यूनिसन कनेक्शन है, भगवान का WWW वर्ल्ड वाइड वेब ईश्वर का है। बिल्कुल सर, ब्लेसिंग ये बता दो। चलो ये वर्ल्ड वाइड वेब तो हो गया, रंजना मैम को समझ में आ गया, ये परमात्मा क्या होता है? सर एक मिनट मुझे दीजिएगा। चले जी, दे दो सर, दे दिया आपको, एक दस मिनट दे दियो। एक सर अनम्यूट करें सर, आपको शायद कोई जी रंजना मैम बताओ, वीडियो खोलने का ही फायदा होता है, ये सामने सामने दिखता है ना। जो सबसे परम आत्मा हो वो परमात्मा है। वो कौन है परमात्मा? हमारी ब्रह्मन जो बोलते हैं, वो तो ब्रह्मा जी हो गए। नहीं नहीं, योगी जी बताओ, योगी राजीव जी प्लीज कुछ आप प्रकाश डालें। योगी राजीव वाराणसी से, बड़े पुण्य प्रदेश है जी हमारा वाराणसी, एक हरिद्वार और एक। आपने अनम्यूट किया है सर उनको? हाँ मैंने किया है सर, शायद अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। योगी राजीव जी, परमात्मा तो सभी आत्माओं का वहीं से अंश निकला हुआ है, परमात्मा। बहुत गजब की बात करी, बिल्कुल, तभी मैंने आपको अनम्यूट किया था। हम सभी आत्माओं का संघात बन के परमात्मा है ना, इसलिए जनता ही जनार्दन है। तो हम सबके बीच में एक अछूता तार चल रहा है कि हम हर हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है, कहीं ना कहीं वो लिंक्ड है, और उस लिंकेज से हम परम तत्व से या परमात्मा से जुड़े हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम है मेरा राजीव, योगी राज जी। बिल्कुल, ये योगी कोई बता सकता था, नहीं तो सब लोग अभी कहते जी गॉड है, परमात्मा, ईश्वर है, वो चलता रहता है। पर परम आत्मा, परम तत्व जो है वो हम सबकी संघात वैश्विक चेतना बना देती है। तो कहां थे हम, परमात्मा से कहां पहुंच गए, बात क्या चल रही थी राहुल भाई? सर साउथ वेस्ट से निकले थे और परमात्मा में पहुंच गए थे। गाड़ी अर्थ में थी सर, और अपने आकाश तत्व में आने वाले थे। ये आकाश तत्व है वेस्ट, वेस्ट में। हाँ चलो, अभी अभी आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, और भावना जो है वो कब छोड़ गई थी, वो शायद वो परमात्मा की बात के लिए कहा गया था कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जी जी जी, वो इसीलिए कहा गया था कि भाई कहीं ना कहीं पे जो पूरा वर्ल्ड है वो आपसे जुड़ा है और आप वर्ल्ड से जुड़े हैं जी, और हम सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो लोग योग करते हैं वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, किसी के सपने में आ जाना या किसी से बात कर लेना। ये अपन एस्ट्रल ट्रैवल के कोर्स में कभी, ये इस पे मुझे बात याद आई एस्ट्रल ट्रैवल के लिए, राइट, आपने बात छेड़ी दी तो चलो इस पे बात कर ही लेते हैं। सर ये भी सुना जाता है, हालांकि मैंने इसका पूरा एक्सपीरियंस नहीं किया, पर ऑफर्ड होने की वजह से जो चीज अनुभव में आई है, सुनने समझने में आई है, एस्ट्रल ट्रैवल नाम की, राइट, क्या वाकई हम ट्रैवल कर पाते हैं कहीं से, अपने शरीर को छोड़ के कहीं ट्रैवल कर सकते हैं? हाँ अभी कर सकते हैं, रोज करते हैं, इसी क्षण कर सकते हैं। सर इस पे प्रकाश थोड़ा डालिए, बाकी किसी दिन इसको पूरा कोर्स बताएं मुझे कि अगर पढ़ा सके ये चीज आप अगर तो बहुत। में सबसे बड़ी गति जो है वो किसकी है? धोनी की। तेज गति धोनी की? अरे नहीं, मुझसे तो कह दे, किसी और से मत कहना। गीता मैम बताइए। सर गुड इवनिंग, तेज गति पे तो नहीं बोलूंगी, बट आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है सर, आप और संदीप सर ने एक जैसे अटायर है आज, देयर इज समथिंग इवेंट हैपनिंग और यू हैव प्लान्ड द डे दैट वे। यही तार मिले हुए, यही तार मिले हुए, ये तो परमात्मा के तार हैं। ओके, मुझे नहीं पता था कि ये ब्लू पहन के आ रहे हैं, इनको नहीं पता मैं ब्लू पहन के आ रहा हूँ, सब गुरुजी का आशीर्वाद है मैम। और आपको एक राज बताऊं मैं, मैंने चार दिन से यही जैकेट पहनी हुई है। yes. मैंने आज नई ओपन करी है। क्योंकि मेरे मेरे फादर को हार्ट अटैक आया, तो मैं मैक्स हॉस्पिटल में हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो मैं जो घर से पहन के आया वो यही चल रहा है, ठीक है ना। ओह माय गॉड, और परमात्मा ये है कि इतनी वो उसमें भी खूबसूरत लगता है बंदा, ऐसा नहीं कि चार दिन बाद में, क्योंकि साउथ ईस्ट जागृत है ना राहुल सर का, तो उसका कुछ असर मेरे पर भी आ रहा है। लेकिन संदीप सर आज वाकई बहुत स्मार्ट लग रहे हैं।
आपके तो 18 के 18 जागृत है. थैंक यू सो मच सर. लॉट ऑफ लर्निंग सर, यू आर सर लॉट ऑफ लर्निंग, यू आर सिटिंग इन हॉस्पिटल, दैट हमारे जैसे तो स्ट्रेस में ही आ जाते. यू आर लुकिंग द वे यू गिव द सेशन. नहीं मैम, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि देखो पता नहीं वो कहाँ जगह मिलेगी, ये कहाँ बैठे. एनर्जी देखिए सर, एनर्जी देखिए, ये है एनर्जी का. अगर आप पॉजिटिव हो तो ऊपर वाला कैसे आशीर्वाद देता है. डॉक्टर ने अपना केबिन दे दिया उनको, ये समझने वाली बात है. ये दिल से कैसे आशीर्वाद देता है ऊपर वाले की तरफ से. थैंक यू सर, थैंक यू. वेलकम मैम, वेलकम मैम. सब उसके ऊपर छोड़ दो ना, सब छोड़ दो. जीवन देने वाला भी वही है, मृत्यु देने वाला भी वही है ना. बीमारी भी वही देता, हील भी वही करता. लेकिन हम जब वो हील करता है, जब अच्छा टाइम चल रहा तो हम उसको ध्यान नहीं रखते. जब बुरा टाइम आता है तो कहते हैं अरे चलो भगवान की ऐसी इच्छा होगी. क्यों, जब वो मोती बरसा रहा होता तब उसकी इच्छा नहीं होती. अब भी उसकी इच्छा होती है. हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में नहीं है कुछ. हमारे हाथ आज 305 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये उन्हीं का तो आशीर्वाद है. हमने कब सोचा था यार कि 305 लोग आ जाएंगे. वेबिनार में 5 लोग आने मुश्किल हो जाते हैं. कोई क्यों किसी के पास जाएगा, क्यों अपना टाइम को इन्वेस्ट करेगा. बट उनको पता है कि इस जगह पे आके सुमित रावल भाई से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. तो वो एक मैम एक गाना सुना था बचपन में, आप सबने सुना हुआ, डोरी सौंप के तो देख एक बार उदासी मन काहे को डरे. पर इसको डोरी सौंपने में 10 साल लग गए पता है आपको. जी अगर आप ऐसे अभी 1 मिनट में स्विच हो जाओ कि यार मैंने अपना सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया, आपको इनसिक्योरिटी हो जाएगी. मुझे तो बहुत रही, 8-10 साल लगे इस चक्कर में यार. पता लगा उसने कहीं डुबो ही दिया तो क्या होगा. उसके लिए भी तो कहा गया था कि डूबते को तिनके का सहारा है. हाँ, डूबते को तिनके का सहारा. ये कौन सोचता है ना कि कहीं डुबो ही दिया तो मेरी चॉइस क्या रहेगी. लेकिन जब उसकी चॉइस में चलते रहो ना, इतना कुछ देता है वो. आप जो मौज, जो आनंद, जो कोई डर नहीं रहता है ना, वो सर किसी बात की कोई चिंता नहीं है. जो होगा वो अपने आप संभाल लेगा, सब कर सब बेस्ट होगा यार. सब बेस्ट होगा करना. उसने सर कहते ना, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा. और भी अच्छा, तो मन का हो तो अच्छा, और नहीं हो रहा तो उसकी इच्छा. परम इच्छा चल रही है ना. हम अपनी टांग फालतू में उड़ाते रहते हैं. और ऐसा मैंने उदाहरण बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना. समय आज कोई ऐसी बात तो नहीं कि आउट ऑफ बॉक्स भी कुछ चल जाए. तो क्या होता है कि कई बार हमारे को किसी चीज की बहुत शिद्दत से लगन लग जाती है कि मेरे पास ये नहीं है, कि एक पर्टिकुलर चीज नहीं है, तो हमारा फोकस बाकी चीजों से भी हट जाता है और हम उसे मांगते रहते हैं. जैसे कि मैं आपको लाइव उदाहरण बता रहा हूँ, और ऐसे 4-5 उदाहरण मेरी जिंदगी में है कि कुछ लोगों के बच्चा पैदा नहीं हो रहा था और वो रात दिन भगवान से घिस रहे थे कि मुझे बच्चा दे दे, मुझे बच्चा दे दे, मुझे बच्चा दे दे, मुझे बच्चा दे दे. और उनके पास बच्चा आया तो पता लगा या तो माँ मर गई या बाप मर गया. नहीं तो इसका मतलब उसकी इच्छा नहीं थी देने की, तुमने जबरदस्ती मांग लिया. तो एक आधा बंदा उड़ गया. और प्रेमी प्रेमिकाओं में होता है सर, ऐसी केस स्टडीज हैं कि जब प्रेमी ने प्रेमिका से कहा कि मैं तेरे साथ मूंगफली के दाने खा के रह लूंगा, और भगवान ने कहा जा, तुम दोनों को यूनाइट कर दिया. और पता लगा उनकी किस्मत में तरक्की हुई नहीं, वो बेचारे मूंगफली के दानों में ही रह गए. बहुत सारे ऐसे हैं. मतलब आपको पता ना, 10,000+ तो घर ही कर रखे हैं. तो 10,000+ का मतलब 4 लोग एक घर में लगा लो तो 40,000 की स्टडी वाला तो मैं अकेला ही बैठा हुआ यहाँ पे. उसके बाद तो गिनती रखनी छोड़ दी. तो आपने बहुत ध्यान से धैर्य से मांगना है कि अगर वो दे रहा है तो उसकी जय जयकार, और वो नहीं दे रहा है तो इसकी मतलब उसी की चल रही है ना. इस समय मजा आ रहा है, इसमें भी आनंद लीजिए. तो ये विचार कहाँ से आते हैं, इस प्रकार के जो विचार. यही गुरु जी भी कहते थे कि मांगो नहीं मन्नो. हम मांगने गए कि भगवान सियाज दे दे, भगवान कहता है मैं तो यार देखो मर्सिडीज देना चाह रहा था. बिल्कुल, और आपके साथ तो हुआ ही है. लाइव एग्जांपल हूँ उसका कि मैं सियाज मांग रहा था और भगवान ने होंडा सिटी दी है मुझे, और 2 महीने के फर्क में दी है. बिल्कुल सर, ये चीजें हैं. आप छोड़ दो उसके ऊपर, उसकी क्या रजा है, क्या उसकी मर्जी है, वो अपने आप आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ही देगा. बिल्कुल. और आगे की कहानी तो सुन लो. जी सर. कि हर पिता से मनवाने का कुछ तरीका होता है जो हर बच्चे को पता होता है ना, ये भी तो राज है. क्यों राहुल भाई? बिल्कुल है सर, 100% वही तो राज है. जेस्चर है, जिद है, मनुहार है, प्यार है, तकरार है, ये सारी चीजों से बच्चा अपने बाप से या माँ से अपनी जिद मनवा लेता है.
आपको क्या डिजायर है और आप कैसे मनवाएं ये वास्तु शास्त्र है। यही सिखाऊंगा डिजायर मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली वो है। क्या कहना है, कैसे कहना है, किस प्रकार से कहना है कि वो मेरी भी सुन ले, चलेगी तो तेरी पर मेरी भी सुन लेना, साथ में क्या फर्क पड़ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। ये सब विचार हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं, ये स्पेस से आ रहे हैं, क्योंकि आकाश हम सबका परम पिता है। आकाश से ही वो आकाश गंगा पैदा हुई थी, जब उसमें विस्फोट हुआ था भगवान के प्रकृति के दिल में, एक बार विचार पैदा हो गया कि मुझे अकेला हूं, बहुत सारा होना, ये विचार पैदा होते ही उसके भीतर वो विस्फोट हुआ, जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, और उसमें से ओमकार की ध्वनि निकली। ये सब काम कहाँ हुआ, स्पेस में हुआ, आकाश। तो नेक्स्ट डायरेक्शन जो है स्पेस को अगर मैनिफेस्ट करना है तो वो है वेस्ट और सेंटर ऑफ योर हाउस, जहां से स्पेस मैनेजमेंट होता है। और सबसे तेज गति किसकी है, वो है मन की, मन की। हाँ, तो मन जो है वो अभी इमीडिएटली प्रोजेक्ट हो सकता है आपके आपके शरीर से बाहर, क्योंकि वो अक्सर शरीर के बाहर ही रहता है। आप आंख बंद करिए, और कभी आपने रेलगाड़ी की यात्रा करी हो तो अभी अभी रेलगाड़ी में बैठा वो देखेंगे अपने आप। आईज क्लोज योर आईज और देखो कि आप रेलगाड़ी में हो या नहीं हो, इमीडिएटली हो जाओगे। तो जब ही हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम मन के ही सहारे से, मन इज अ टूल जिसके सहारे से हम एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कि हमारा शरीर तो यहाँ पड़ा है और हम मन के आंखों से सब कुछ देख पा रहे हैं। वो चर्चा यहाँ से चली और पता नहीं कहाँ पहुंच गई, ऐसा ही है। वो मैंने कहा ना, भावनाओं में बह जाता हूँ और वो भावना मुझे छठी में छोड़ के चली गई, इसलिए मेरी भावना जो है वो डिस्टर्ब रहती है, कहीं का कहीं विचार आता रहता है। बिल्कुल सर। और अब तो मैं चाहता भी नहीं भावना को बुलाना, बुला मत लेना, बुजुर्ग हो गई होगी। नहीं सर, वो अपन ने अभी एक थोड़ी देर पहले एलिमेंट भी बात की थी, भाभी जी घर पे बैठी है। क्या भाभी जी घर पे बैठी है? बोलते भाभी जी घर पे है, भाभी जी घर पे है। अगला सीरियल भी तो है, सुमित संभाल लेगा यार, तुम एक ही बात थोड़ी ना कर सकते हो। सर मुझे सिर्फ एक दो मिनट का समय दे, मैं बच्चों से बात कर लो क्लास के बारे में। राइट, देन वी विल गो फॉर अगेन। अपने जीवन को जैसे सुमित सर ने आपको बताया कि वास्तु इज द साइंस ऑफ डिजायर मैनिफेस्टर, आप अपनी विश को फुलफिलमेंट कर सकते हैं वास्तु से। तो इस वास्तु की क्लासेस में मैं सिर्फ 30 नवंबर से चालू, जिसकी एनर्जी एक्सचेंज 7080 ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे 2 वीक्स का ये कोर्स रहेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन आपको दिया जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे संपर्क करें, मेरा नंबर है 7717159303। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 7717159303। ज्वाइन क्यों करना है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आप खुद है। कितनी विशेष हैं जो रह गई हैं फुलफिलमेंट होने, क्या मकान अभी भी घर बना है, क्या वो सुख समृद्धि है, और है तो क्या वो बरकरार रहनी है। तो ये सब बरकरार रखने के लिए और सुख समृद्धि को घर में लाने के लिए, वास कराने के लिए, अष्टविधि नौ निधि का पूरा वास कराने के लिए वास्तु आपका एक ऐसा टूल है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता। एक बार नॉर्थ एक्टिवेट तो करके देखो, एक बार साउथ ईस्ट में अपनी जगह चीजों को लगा के तो देखो, जो प्रोएक्टिव है यहाँ पे उन लोगों ने किया तो उनको रिजल्ट भी वैसे मिले। अपने मकान में जाना है ना, तो किराए के मकान में वास्तु कैसे करेंगे और कैसे विश मारेंगे कि ताकि हम अपने मकान में जाएं, उसको घर कैसे बनाएंगे, उसके लिए वास्तु सीखेंगे। और कैसे, कब सीखेंगे, 30 नवंबर को रात को 9:30 बजे से। अभी अभी करेंगे, जो भी काम करना है वो भी करेंगे, और प्रोएक्टिव होना है इस बार जी। सीट्स आर लिमिटेड, 50% सीट्स फुल हो चुकी है। तो संदीप सर, वो जो हमने अपनी शूटिंग में करा था वो क्या था, वो अनम्यूट तो ही एक बार डियर, हाँ जी, ज्वाइन नाउ, ज्वाइन नाउ, एक बार करके तो दिखाई, ज्वाइन नाउ, आज ही सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब नहीं करना था, साइन अप आज ही साइन अप करें, ज्वाइन नाउ, नीचे दिए गए नंबरों पे तुरंत संपर्क करें, तुरंत संपर्क करें, बिल्कुल। तो यहाँ पे चैट में मेरा नंबर लिखा हुआ है, तो तुरंत संपर्क करें, आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, आप बात करेंगे तो बात बनेगी। आपको कोई भी संशय है, दिल में कोई भी संशय है कि मैं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, आज मेरे पास सुबह से देखो कितना अच्छा उदाहरण है, सिर्फ आधे घंटे पौने घंटे पहले का, आपका फोन आने से 10 मिनट पहले का। जी संदीप सर सुनना इस बात को, एक मास्टर जी का फोन आया, बोले भाई साहब क्या मैं कंसल्टेंट बन पाऊंगा, मैं कितने दिन से वेबिनार सुन रहे हो, बोले मैंने ऑलमोस्ट 4-5 वेबिनार सुन लिए सर। मैं कहा अच्छा तो ये बताओ कि अगर किसी के नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में समस्या हो तो उसको क्या रेमेडी दोगे, बोले झंडा लगा दूंगा, लाल ब्लू बल्ब जला दूंगा। मैं कहा ठीक है, मैं कहा साउथ ईस्ट में, बोले रेक्टेंगल टिका के और रेडल का बल्ब लगा दूंगा। मैं कहा वेस्ट में, बोले तेल का पीपा रखवा दूंगा। मैं क्या, आप कंसल्टेंट बनने में रह क्या गया, ये रह क्या गया बताओ, आप सब कुछ तो आ गया आपको, वाह जी वाह कमाल कर दिया राहुल भैया। मैंने क्वेश्चन ही पूछा, मैं कहा ये तीन दिक्कतें किसी के परिवार में आ रही हो तो कैसे करेगा, मैं खुद ने क्या किया, बोले मैं डीलर है कि ये सिर्फ ट्रेलर है राहुल, जब बिल्कुल सुमित भाई से सीखोगे तो अभी गूढ़ ज्ञान बाकी है। और जी 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 सॉरी सॉरी सर आप कंटिन्यू करें, मैं बताता हूँ। इसके बाद जब आप बेसिक कोर्स कर लोगे उसके साथ जब एडवांस वाला आएगा तो आपको लाइफ में समझ में आएगा कि ये कितनी गहरी साइंस है। ऐसे थोड़ी वास्तु वाले इतना इतना रुपया चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि वो दिल से जब उसको करते हैं, उस डायरेक्शंस को समझते हैं, वहां वो उपाय करवाते हैं, तो उसके रिजल्ट अमेजिंग ही आते हैं। बिल्कुल वास्तु 21 दिन में आपको वो रिजल्ट दे सकता है जो शायद आपने सोचा ना हो, उसकी शुरुआत 3 दिन के अंदर भी शुरू हो जाती है। जी 15 दिन से 150 दिन का तो हमारा स्लैब है कि हाँ वो दे ही देता, और भल्ला साहब ने तो बहुत सारे रिजल्ट्स ले भी लिए, इसमें शक की कोई बात नहीं। और मजे बीच में है नीना मैम, जिनका मुझे पता लगा कि उनको भी कुछ लाभ हुआ, नीना काटल मैम, अगर वो अवेलेबल, नीना काटल जी का प्रॉब्लम है, पर मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा सर। करो करो सर, पहले आप करो। मजे की बात ये है कि नेक्स्ट 2 मिनट्स बाद उनका पेमेंट आ गया। अरे वाह वाह वाह, दैट्स द प्रोएक्टिव थिंग्स, ग्रेट ग्रेट है सर। मतलब उनसे बात करने के बाद एक्जैक्टली संशय है आपके दिल में, छोटा सा एक संशय, क्या मैं कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं समझ आ रहा है, करोगे, मैं बैठा हूँ सर हैं, हाथ पकड़ के आपको लेके जाएंगे आगे। और राहुल भाई मेन बात है क्वेरी दूर होना। जी सुमित भाई की यही खासियत है, वो क्वेश्चन को आंसर के साथ प्रिडिक्ट करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी बहुत जबरदस्त आ जाए। बिल्कुल वो सर, वो तो आचार्य जी तो है ही मार्वलस इस मामले, डायनेमिक पर्सनालिटी टू छोटे आचार्य जी भी मार्वलस है। वो कहा सर पता सुमित भाई छोटे आचार्य जी कौन है, कौन है सर जिनकी आप आवाज सुनते रहते हो? नहीं सर नहीं, छोटे आचार्य नहीं कहो सर, आप क्या कहो फिर, हम सब लोग सर्कस के शेर हैं, है तो शेर ही ना, और ये रिंग मास्टर हैं, शेरों को नचाते हैं, नचाते हैं। पर क्या ना कि आप सर्कस को यूज नहीं कर सकते, नहीं यूज कर, हम सब इस प्लेटफॉर्म पे आचार्य ही है। मजे की बात ये है कि हम सबसे सीख सीख के ये खुद ही अपने आप ही छोटे आचार्य बन गए। सर मैं एग्जैक्टली ट्रुथ बताता हूँ कि मैंने क्वेश्चन आंसर से इतना सीखा है ना इन बच्चों के, मेरे पास सवाल के जवाब 90% मुझे पता है आचार्य जी ये बोलने वाले हैं इसको, और जब वो दोबारा पूछता है तो ये अब डांट दिखाने वाला है, ये सही सही नहीं पूछ रहा है, इसको याद करके नहीं आया आज। हाँ ये बात सही है कि क्लास में थोड़ा ध्यान से आना, ऐसा नहीं है कि मैं खाली हंसता ही हंसता हूँ, किस दिन गुस्सा आ गया था फिर उसका शेर भी धाड़ता, कोई ऐसी वो उसका बुरा मत मानना है ना। राकेश अग्रवाल सर बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज कहिए। जी ना मैम एक मिनट रुको, एक मिनट थमो 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 जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी राकेश। नमस्कार संदीप भाई। नमस्कार राहुल भाई। जय गुरु जी। राकेश भाई जय जय श्री राधे। सर मैं थोड़ा सा टेस्टिमोनियल देना चाहता हूँ, मतलब की काफी हमारे पुराने बच्चे भी हमारे कलीग्स जुड़े हुए हैं और नए भी हैं, तो सर मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि सर संदीप सर की कुछ एक रेमेडीज और समित सर की कुछ एक रेमेडीज मैंने करी, जैसे नॉर्थ का मैं दरवाजा या खिड़की खोल दिया, और ब्रह्म भाग में और साउथ वेस्ट में मैंने अपना कपूर जलाया या तेल का पीपा वेस्ट में रखा, तो सर कल ही मैंने उसका प्रतिफल भी पा लिया,
और सर मैं साल भर से पीछे लगा हुआ था कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब भगवान की कृपा से बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब चीज अच्छा चल रहा है। और सर कल मुझे ऑक्शन में एक अनएक्सपेक्टेड चीज मिली, जो 1700 बंदे अप्लाई करे थे उस ऑक्शन में सर। क्या बात। और सर वो ऑक्शन भी बिड लगा दी थी, और सर मतलब कि 1700 में से कम 18 बंदे मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेंट थे जो बिड लगा रहे थे सर। वो केवल इन छोटे छोटे उपायों से, या ये सर ने जो अपना लिखवा है मुझे 897 अपना कुआ नंबर और ये सब चीजें, तो सर मैं अपना सभी कलीग्स को या वुड बी कलीग्स को केवल और केवल इतना बात करना चाहूंगा, मैं 3 नंबर हूँ सर ड्राइवर, तो 3 नंबर कभी भी ना अतिशोक्ति का सहारा नहीं लेता या एग्जरेशन का सहारा नहीं लेता। तो सर मैं केवल और केवल ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे उपाय से सर ने जो हमें अपने बेसिक कोर्स में सिखाया सुमित सर ने, सर हैट्स ऑफ टू यू, थैंक्स बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना कुछ पाया है मतलब कि सहर्ष आदमी कहता कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ हमें करे हुए, और सर इतनी चीजें क्लियरिटी हुई है, और द वे ही टीच अस इज रियली फैबुलस सर। आज बच्चे वगैरह कह रहे थे पापा वो जो कल आपकी ऑक्शन वो जो हुआ है ना, वो आज सेलिब्रेट करने चलना नहीं खाना खाने चलना है सर। मैंने कहा बेटा कल चलेंगे, आज मुझे पहले वेबिनार अटेंड कर देगा। जय जयकार हो सर, कल जरूर उनको लेके जाइएगा, क्योंकि हर खुशी को सेलिब्रेट करना ही चाहिए। बहुत बहुत बधाई हो राकेश भाई, बहुत बहुत बधाई हो। यही मैं कहता हूँ कि इन छोटे छोटे चीजों को पहले अपनी लाइफ में जोड़ो और देखो बड़ी चीजें भी आएंगी साथ। कृपा, कृपा क्षेत्र में जाना है, कर्म क्षेत्र से हटना है। काम तो हमने बहुत सारा कर लिया, अब कृपा में जाना है। कृपा का मतलब क्या होता है? कर पापा। लेकिन यहाँ आप इतना करोगे पाओगे। सर मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे, आपने वो जो भी उपाय करे वो उसकी रेमेडी की कॉस्ट इतनी होगी, टाइम भी इतना लगा होगा, लेकिन आएगा इतना, इसीलिए कृपा है। सर कर्म मेरी... तो हो ही रहा है, बहुत सारे लोग काम कर ही रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक घिस रहे हैं, खटखट खटखट फटफट फटफट जिंदगी बिता ही रहे हैं। अब संदीप सर ने उस दिन हमने कहा सर कि हम तो जयपुर जा रहे हैं राहुल सर के साथ, उन्होंने चल मैं भी चलता हूँ, हमारे कौन से हल जोतने, हमने नहीं जो हल है वो यही जोतना है। कृपा क्षेत्र और हम तो कोई काम करते ही नहीं, करते हो तुम कन्हैया, नाम हमारा हो रहा, मेरा नाम हो रहा। एक टेस्टिमोनियल राकेश जी का और बता देता हूँ, राकेश जी शायद याद होगा आपको, बिटिया कौन से रैंक में आई थी सर? ऑल इंडिया 1 रैंक इन सीएस फाउंडेशन सर, ऑल इंडिया रैंक। वो तो कोर्स के साथ साथ ही आ गया था वो, जी सर वो कोर्स करते करते सर आ गया। सर मैं कह रहा हूँ ना सर इतने चमत्कार, मतलब सहर्ष मैं तो कह रहा हूँ मतलब की मैं किसी भी एग्जीबिशन से उसका सारा कभी लेते नहीं जीवन में। सर मेरी एक रिक्वेस्ट और थी कि हमारे कुछ भाई, मतलब मैं भी उनमें से शायद कुछ हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है सर, प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार रहते हैं, तो सर आप अपने रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के विनती, आप अपने हर एक वेबिनार में प्रोक्रास्टिनेशन को इवेड करने के लिए जरूर उपाय बताया करो, सो देट कि हर बंदा इसमें भागीदार बने और वो कर सके सर ये चीजें। मतलब कुछ भी कॉस्ट नहीं सर, आप चार्ज कर ले, संदीप सर का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं तो कह रहा सर ये केवल वास्तव में मैं मिला भी हूँ सर से, सर केवल और केवल देने का ही इनका रहता कि यार जो आया है मिला है मुझे वो मैं बांट दूं, और सर ये बहुत अच्छी चीज आप कर रहे हैं सर, हेड्स ऑफ टू यू सर। राहुल जी सारा का सारा टीम एफर्ट है, चाहे वो हमारे सुमित भाई हो, चाहे हमारे विजय भाई हो, चाहे हमारे पद्मा मैडम हो, चाहे हमारा राहुल भाई हो, सबने सिर्फ देने के बारे में ही हेल्प करी है, तभी गुरु जी की ब्लेसिंग्स है इस पूरी टीम की। चलिए प्रोकास्टिनेशन का एक उपाय लिख लीजिए जी, प्लीज 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 नोट एवरीवन, पे अटेंशन ऑन दिस। विवेंद्र भल्ला जी 2 मिनट के अंदर बस आपका टेस्टिमोनियल लेंगे। ओके थैंक यू सर। प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है आलस, कि मैं इस काम को कल कर लूंगा, और कल नाम है काल का, कल तो आता ही नहीं ना, वो आज में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैं इसे कल कर लूंगा, या अभी थोड़ी देर में कर लूंगा, या आगे थोड़े दिन के बाद कर लूंगा, नॉट एट ऑल। तो ये ऐसा नहीं है, अगर आप प्रोकास्टिनेट करते हैं तो आपकी एनर्जी कम है, एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए आपको साउथ ईस्ट को बढ़ाना होगा। तो फ्लो के लिए हम लगाते थे रेड कलर का बल्ब, अगर हमें धन का फ्लो चाहिए, लेकिन एक्चुअली लाल रंग की मिर्ची अगर साउथ ईस्ट में रखी जाए तो आप प्रोकास्टिनेशन छोड़ दोगे। बड़ी बड़ी लाल मिर्ची कितनी लेनी है?
कम से कम 1.25 किलो मिर्ची लेकर आपने साउथ ईस्ट में रख लीजिए और आप देखिए कैसे भाग छोड़ देंगे सेम डे से राकेश जी प्रोकास्टिनेशन कर और पा 1.25 किलो लाल मिर्ची ले आओ पाउडर वाली नहीं चाहिए और कैसी चाहिए डंडी वाली रेड कलर की रेड लाल मिर्ची 1.25 किलो प्लास्टिक बैग में रख के अपने साउथ ईस्ट में रख दीजिए राइट रेड कलर का जो भी बैग हो कहीं से लाल रंग का बैग लीजिए और साउथ ईस्ट के कोने में रख दीजिए फ्रिज फ्रिज के पीछे छुपा दीजिए कोई दिक्कत नहीं और उसको यूज भी कर सकते हैं मतलब आप उसको यूज ले कूट ले पीस के आप उसको यूज कर सकते हैं और बाकी बाद में फिर 1.25 किलो फिर रख लीजिए मतलब ऐसा नहीं कि 1.25 किलो मेरा कोई उपाय है कि हाँ हमारा कोई ज्योतिषी उपाय है नॉट एट ऑल कुछ भी रख सकते हैं आप 10 किलो रख लो 30 किलो का कट्टा रख लो अधिक से अधिक फिल्म तो 1.5 किलो से शुरुआत करो 2 किलो मिर्ची रखो और उसको यूज भी करो और आपका प्रोकास्टिनेशन अपने प्रोकास्टिनेशन में जाते हैं देखो पत्नी भी कहेगी यार मैंने ग्रोसरी लिस्ट दी थी जो आप 10 दिन में लाके लेकर आते थे 6 बार सुनते थे आप अगले दिन ही कैसे लाने लगे ऐसा होता ना पति सुनते नहीं पत्नी कुछ कहती है वो सुनते ही नहीं उन्होंने कहा ये ले आना और वो भी ले आया तब वो डेड लिमिट काम आता सर तो प्रोकास्टिनेशन वहां से ही खत्म हो जाएगी आपके और आप करने लगेंगे प्लीज डू इट यस जी देवेंद्र सर भला साहब बताएं अनम्यूट करें हाँ जी सर सर मेरा उस वक्त नेटवर्क चला गया था तो 2 टेस्टिमोनियल हैं आज के ही हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं वो क्या है कि जैसे अभी सभी ने बोला कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो ब्लेसिंग्स जो होती हैं वो गुरुजन की जो ब्लेसिंग्स हैं वो कितना काम करती हैं आज मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देने वाला हूं सर मैंने गुरु जी के लिए सुमित जेली के ये जहां से मैं पोस्टर प्रिंट करवाने लगा तो जब ये लास्ट प्रिंट उसने मुझको दिया तो उसने उसके बाद मुझे अपने उसने बेटी का ग्रिड के लिए ऑर्डर कर दिया उसी वक्त सर ग्रेट सर कमाल कर दिया वाओ तो मैंने उसको पैसे दिए मैं कहा ये पोस्टर के पैसे कहता नहीं सर मेरी बेटी की एक ये प्रॉब्लम है एजुकेशन के लिए और एजुकेशन का यहाँ सेमिनार कर रहे हैं ये सुबह सर 11 बजे की बात है तो मैंने उसको उन्होंने बोला सर ये आप पैसे एडवांस रख लीजिए और ये मेरी बेटी का पूरा डेट ऑफ बर्थ डिटेल दिया और मुझे इसका नंबरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी चार्ट बना के दिए बाकी का जो आप चार्जेस है वो आपको मैं दे दूंगा एक पोस्टर और बना लो सर आज आप उन्हीं से छुपा लो एक पोस्टर मैं बता रहा हूं नहीं नहीं सर मैं उन्हीं से जाता हूं उनके पास से बहुत दिन से जाता हूं अरे लेकिन जब ये आपके लिए मैंने ये मेरी बात समझिए मैं तो उससे 1 महीने से जा रहा हूं सर काम के लिए लेकिन ये मैंने आपके लिए छपवाए सर तो ये ब्लेसिंग्स देखिए सर आपकी कैसे इंस्टेंट काम की मैं ये बोलना चाहता हूँ सर ट्रैवल बोला ये ब्लेसिंग मेरे को मिल गई सर इंस्टेंट और सेकंड बात सुनिए सर सेकंड टेस्टिमोनियल सुनिए सर जैसे ही मैंने ये आपका नाम लिख के ये लिफाफा बनाया उसी वक्त मेरे पास एक क्लाइंट आ गया घर के बाहर खड़ा होके और 4 बजे आया था सर वो 7:30 बजे गया है मेरे पास से और वो यहाँ मुझको एडवांस दे के गया है कि मेरा ये आप ग्रिड बनाइए फिर उसकी कल मदर को लेके आना है उसको कुछ रिकी करनी है वो डिसीज है प्रॉब्लम है सर ये ब्लेसिंग्स की बात कर रहा हूँ अभी आपने ब्लेसिंग्स की बात की है पहले मैं ये देना था लेकिन वो नेटवर्क कट गया और क्यों आया वापस क्योंकि अब अभी ये काम अभी ये शुरू हुआ सर ये मैं गुरुजन की ब्लेसिंग्स की बात कर रहा हूँ सर ये आपकी ब्लेसिंग है संदीप सर की ब्लेसिंग है प्रवीण जी की है और राहुल जी की है ये ब्लेसिंग्स कितना काम करती हैं गुरुजन की मैं इसका सर टेस्टिमोनियल आपके सामने हूं सर बिल्कुल है दबला साहब थैंक यू सर लाइन है हम सबको परमात्मा के हम तत्व हैं दिल से जुड़े हो सबसे बड़ी बात ये आती है सर ये आपकी ब्लेसिंग ऊपर वाला भी देखता है ऊपर वाला भी देखता है कि आपने कितनी शिद्दत के साथ इन सब चीजों के साथ अपने आप को जोड़ा है तो सर आप ये तो आप क्या जो मन से हमेशा हमारे लिए ब्लेसिंग्स देती हैं हर एक अपने स्टूडेंट के लिए ये सब उसी का रिजल्ट है जय जयकार भला साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपका थैंक यू सर ने आपको चुना बड़े गुरुजी का आशीर्वाद आ रहा चारों तरफ फैल रहा है ना सर सर सभी का आ रहा है सर आप क्या देखिए इंस्टेंट रिजल्ट है और कल आपको ये मैं पोस्ट करने वाला हूँ तो ये देखिए इसका चमत्कार आज 2 टाइम में 2 अलग अलग टाइम पे
पोस्टर निकालते हुए और आपका लिफाफा बनाते हुए, दोनों टाइम इंस्टेंट आया सर। थैंक यू सर, सोना सब। थैंक यू, जय जयकार, जय जयकार। नीना मैम कहिए क्या कहते हैं, फिर उसके बाद कुछ बात करते हैं, वैल्यू तो ऐड करनी पड़ेगी ना। गुड इवनिंग सर, जय जयकार सर। जय गुरुजी मैम, जय गुरुजी। संदीप सर आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक्चुअली सर मुझे आपसे अपना एक टेस्टिमोनियल ही कह सकते हैं, आई वांट टू शेयर। जब मुझे सुमित सर ने हमें जब ड्यूरिंग द कोर्स ये बोला कि ब्रह्म आपका जो दरवाजा है मेरा मेन डोर वो गलत दिशा में था, उन्होंने बोला एक दरवाजे का फोटो लगाओ अपने उसके ग्रिड के हिसाब से। सर जैसे ही मैंने लगाया उसको, थोड़ा लेट लगाया, मेरे ना रुके हुए पैसे आए और मेरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दो जगह खुली। दो जने मेरे को कल मिलने आ रहे हैं जो न्यूमरोलॉजी के लिए चार्ट बनवाना चाहते हैं और मेरे रुके हुए 80,000 रुपए आए हैं। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सर। ग्रेट मैम, ग्रेट, कमाल। थैंक यू संदीप सर, रियली गॉड ब्लेस यू। आप लोग बहुत अच्छे हैं। पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी हम ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। जितने पुराने स्टूडेंट जो पहले कोर्स कर चुके हैं सुमित रावल भाई से, उनके लिए नया आशीर्वाद रहेगा 2599 का। सर मैं हूँ, मैंने दे देने हैं सुबह पैसे आ जाने हैं। तो मैं सर को छोड़ नहीं सकती, अब गोंद की तरह चिपक गए हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। थैंक्स टू संदीप सर, आपका जिसकी वजह से मैं उनसे मिली सर। सब गुरुजी का आशीर्वाद है नीना मैम, सब गुरुजी का आशीर्वाद है। सर एक चमत्कार हो रहा है, आपने नोटिस किया? दो दो चीजें अभी अभी राकेश भल्ला जी का और नीना जी का ये सुन के, एक्सपीरियंस सुन के। जी जी जी, करते तो ये, करते तो ये वास्तु है, क्लाइंट सारे न्यूरोलॉजी के। भाई होता क्या है कि पहले छोटे छोटे ट्रेलर दिखाने पड़ते हैं, जब वो ट्रेलर सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर बंदा कहता है भाई साहब आप मेरे घर भी आओ और मेरे वास्तु भी ठीक करो। जय जयकार सर, उसके लिए आपका एडवांस कोर्स भी करूंगी। पक्की बात है, उसके बाद सुपर एडवांस कोर्स है वो भी करना है। डन सर, बस गुरुजी मेहर रखे जरूर। बिल्कुल, गुरुजी ने मेहर रखी है तभी आप यहाँ पहुंचे हो। Actually, sir. Yes, sir, yes, yes. जो राह दिखाई है आपने और संदीप इन्होंने भी, सर रावल सर ने, सर कमेंडेबल है वो कमेंडेबल। थैंक यू। आप भी मेरे स्टूडेंट हो, सुमित रावल भी मेरे स्टूडेंट है। सिर्फ यही बात है कितनी शिद्दत का समझोगे आप। जैसे कि देवेंद्र भल्ला जी या राकेश अग्रवाल जी जो भी यहाँ पे मेरे स्टूडेंट है, मैं कह रहा हूँ मेहनत करो और देखो ऊपर वाला कैसे, ऊपर वाला आपको ब्लेसिंग्स देने वाला है। वेरी ट्रू सर, जिस तरह का वो दरवाजे की पिक्चर लगा के मुझे फर्क पड़ गया, तो मैं सोच सकती हूँ कि एक बार एक कैमरे को ले जाकर दिखाओ वहाँ पे कहाँ लगाया आपने। सर देखिए आपको मैं दिखाती हूँ यहीं से। ये देखिए सर, दिखाती हूँ सर, ये दिख रहा है आपको दरवाजा? जी जी जी, ये देखिए फोटो लगी हुई सर। एक किसी फोटो से ही ना मेरी अपॉर्चुनिटी आ गई मेरी लाइफ में, सोच नहीं सकती थी सर मैं। बहुत अपॉर्चुनिटी का डोर नहीं ओपन हो रहा था, सुमित भाई ने वही सिखाया आपको। यही सही कह रहे हो सर, और किसी ये डिसअपॉइंटमेंट को उन्होंने हैप्पीनेस में बदल दिया। मैं कभी इतना शुक्र गया, इतनी दुआएं लेते हैं ना आप लोग, इतनी दुआएं मैं बता नहीं सकती सर। मैं बोलती रहती हूँ चिरपिंग की तरह नीरज को, इन सबको देखो क्या हुआ। ये परसों रात को 9:30 क्लास चालू हो जाएगी पहली बार, तो ज्वाइन करने के लिए ये कोर्स है बेसिक टू एडवांस, और ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7715930333। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 7715930333। भाई कुछ जी, जी सीखना भी तो है। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी सर। सुमित रावल जी, मैं आपका कोई भी वेबिनार छोड़ती हूँ, सभी देखती हूँ, और देखो पीछे लाइट भी जल रही है, रेड लाइट भी जल रही है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया हो गया तो। हाँ सर, मेरे को थोड़ा सा ये पूछना था कि जो मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी और बेटा है ना, उनका कैरियर में कुछ मतलब रुकावट जैसे हो रही है, तो मैं समझ ही नहीं पा रही मैं क्या करूं कि उनको जॉब की
और तो अपॉर्चुनिटी आए कोई आ ही नहीं रहा है सर उनके रास्ते। अरे मैंने बताया था वो आप ब्लू कलर का बल्ब लगा दो ना नॉर्थ में। सर वो तो मैं लगा बस उनके यहाँ पे उनके रूम में। हाँ, उनके घर में मतलब आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं या नहीं? नहीं मेरे साथ ही रहते हैं वो। हाँ, तो अभी अनमैरिड है सर। ग्रेट ग्रेट। अपने अपने उसमें ब्लू कलर का बल्ब लगाइए, झरने की फोटो लगाइए और क्या क्या वास्तु दोष है उसके लिए कोर्स ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वो भी तो हटाने जरूरी है ना। जी जी। हमने पॉजिटिविटी के तो सारे उपाय बता दिए कि ऐसे होने से ये हो जाएगा, ऐसे होने से वो हो जाएगा, ऐसे होने से वो हो जाएगा, लेकिन दोष तो वहां पे पड़ा है ना अभी। हाँ जी। तो वो दोष को कैसे रेमेडलाइज करेंगे वो अपने पहले बेसिक कोर्स में सीखेंगे, उसके प्रोफेशनल में तो उसकी पूरी की पूरी जयजयकार कर देंगे कि वहां रहते हुए भी। तो कुछ आप बढ़ो, कुछ हम बढ़े, कुछ गुरुदेव बढ़े, कुछ कॉस्मोस बढ़े, कहीं तो कहीं कहानी बनेगी है ना। कार्मा में तभी बनेगा ना। जी सर। कार्मा कार्मा में तभी बनेगा सर। कार्मा तो बढ़ता जा रहा है आपका, आप चिंतित ना हो। नहीं चिंता बिल्कुल नहीं है मैम, चिंता तो बिल्कुल नहीं है। हमें पता है राहुल भाई, राहुल भाई, सुमित भाई, ये सब हमारे साथ कहीं ना कहीं पे जुड़ के बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है और आप लोग तो भाई नहीं। सर हम आपको पहले से देखते थे, अब आप सिंगल आते थे और अभी आप बहुत सारे ग्रुप के साथ आते हैं। हाँ अकेले चले थे और क्या था वो कि शेर है ना, अकेले अकेला चला था, कारवा जुड़ता चला गया। बस 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 जी सर। ग्रेट। सुमनम कहिए प्लीज। गुड इवनिंग सर। यस मैम। सर ये जो आपने बताया अभी लेजीनेस के लिए साउथ ईस्ट का, अगर कोई बच्चा हो तो उसके मदर भी करेगा तो भी एप्लीकेबल होगा? पूरे घर के ऊपर हुआ मैम, ऐसा नहीं है। मतलब प्रोकास्टिनेशन पूरे घर से जाएगी। ओके ओके ओके। हाँ ऐसा ये नहीं कि खाली एक एक बच्चा सो रहा है और वो मां सो रही है, नहीं। आप देखना कितनी बेचैनी हो जाती है। बेचैनी का मतलब बेचैन क्या था। हाँ, ओके। तो वो आप उसके अंदर वो चालू हो जाएगा, एक वाइब्रेशन चालू हो जाएंगे। करो ओके ओके सर। कर दो मैम। हाँ, जो काम दो मिनट में करना होगा वो एक मिनट में होना शुरू हो जाएगा, जो दो घंटे में होगा वो एक घंटे में हो जाएगा, वो चार दिन में करोगे दो दिन में करना शुरू हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या है, क्योंकि करेगा ही तो फल है ना। बिल्कुल। करोगे नहीं तो फल क्या होगा। अभी आज से 25 साल पहले, 22 साल पहले मैंने वास्तु पढ़ी, मुझे गुरु जी का आशीर्वाद मिला, मेरे गुरु जी का, उन्होंने मुझे वास्तु पढ़ाई। उसके बाद धीरे धीरे कोर्सेज करते गए, अगर ना पढ़ते तो आज आपके सामने नहीं होते। नहीं सर, आपकी इसी रिगार्डिंग एक बात कह रही हूँ। मैं अभी चंडीगढ़ गई तो कोई अननोन फेस से बात हो रही थी, कोई मिला तो उन्होंने पता क्या बोला मुझे, ऐसे बात कर रहे थे न्यूमरोलॉजी की, कह रहे आपने संदीप बजाज सर का वो देखा है वेबिनार? मैंने कहा मैं उनका बहुत देखती हूँ, मैं उनकी फैन हूँ, और सुमित सर की तो स्माइलिंग ही बहुत अच्छी है सच में। जी मैम, थैंक यू सो मच। वाह बढ़ती जा रही है, इसका मतलब सर जी अपना कार्य कर रहे हैं। ये सेलिब्रिटीज है, स्माइल विभीषण वाली है और हंसी रावण वाली है। हां यस सर, यू हैव बिकम अ सेलिब्रिटी। शक्ल विभीषण जैसी और नो नो सर, हंसी रावण जैसी। स्माइल स्माइल भी विभीषण जैसी और हंसी रावण जैसी, टू इन वन है। यस सर, आपका भी कमाल है। वैसे आपकी एनिवर्सरी पे आया, बहुत बहुत मजा आया। आपकी भी जोड़ी बिल्कुल रावण मंदोदरी जैसी लगती है। पक्की पक्की। फोटोग्राफ आ गई है, दिखा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। राधे 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 राधे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। तो क्या करना, कैसे कैसे टैप करेंगे, पांच रेमेडीज, कुछ नई कुछ पुरानी मिला के इसको करते हैं क्लोज, कि पंच तत्वों की हमें दिशाएं तो पता लग गई। तो जैसे सुमन मैम ने कहा, नीले रंग का बल्ब हमें लगाना है नॉर्थ को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स वाटर एलिमेंट। नीला रंग, नीले पर्दे, झरने की तस्वीर, और यहां लक्ष्मी मैम के पीछे एक अमेजिंग पिक लगी हुई है, झरने के साथ हरा रंग, वो भी आपको कमाल कर देगी, चमत्कार कर देगी। भल्ला साहब आप वो पिक भी देख लो और उसको भी खींच दो उसकी फोटो। राइट। एक मैं आपको बताना चाह रहा था कि माँ सरस्वती की पिक लगाने से, क्योंकि एजुकेशन का है ये सेमिनार, एजुकेशन अबाउट वास्तु एंड एजुकेशन अबाउट योर किड्स एंड योर सेल्फ, तो आपने माँ सरस्वती की एक पिक नॉर्थ ईस्ट में लगाने से बच्चों में विद्या के प्रति झुकाव बढ़ता है, और बोनस में
अपनी बात कहने का, अपनी बात, क्योंकि वाणी की जो देवी है वो माँ सरस्वती है, अपनी बात कहने का कॉन्फिडेंस आता है, कविता या लयात्मक बात कहने का भी कॉन्फिडेंस आता है, और राहु जनित जितने भी दोष हैं वो शांत हो जाते हैं। ग्रेट, यू गाइस आर अमेजिंग। नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट में सूर्य लगाएं तांबे का, या बल्ला साहब से पिक ले लें, वो मंगा के लगा लें, तो हमारा एयर एलिमेंट एक्टिवेट होगा, यानी ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगा सूर्य से ईस्ट, क्योंकि जितनी भी, अब आपको सूर्य से एयर एलिमेंट कैसे एक्टिवेट होगा, सूर्य तो आग का गोला है, क्योंकि जितनी भी विंड चलती हैं, कितने तरह की विंड है, 49, कहां लिखा है हनुमान चालीसा में, चले मरुत 49, 49 टाइप की विंड्स का रेगुलेटरी जो फोर्स है वो है सूर्य। तो हमारे यहाँ इंडिया में पछुआ और पुरवैया गानों में भी आती है, और पुरवैया चली, तो पुरवैया और पछुआ जो है वो चलती हैं सूर्य की कला से। तो अगर आप वहां सूर्य लगाएंगे आपका एयर एलिमेंट एक्टिवेट होगा, और आपको दो फायदे होंगे, एक तो फ्लो में आपकी बढ़ोतरी होगी, और एक एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी पेटेंट विधि साउथ ईस्ट में रेड कलर का ट्रायंगल लगा लीजिए या रेड बल्ब लगा लीजिए, तो फायर एलिमेंट जागृत होगा, आपके अंदर भी वो आकर्षण पैदा हो जाएगा और लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, और जितने आपके पर्सनालिटी में आकर्षण रहेगा उतना आपका काम बढ़ेगा। जी सर, जैसे भल्ला साहब का रंग जो है वो गोरा ही होता जा रहा है, देवेंद्र साहब पहले सेमिनार में जो था कुछ और कलर था, अब कुछ और हो गया, अब कुछ और हो गया, साउथ ईस्ट एक्टिवेट होता जा रहा, तो बिना क्रीम का ये उपाय है, एकदम सैलून के भी पैसे बच गए। हाँ देखो संदीप सर, देखो पहले जब मेरे वेबिनार से तो कैसे लगते थे, अब देखो कैसे चमक रहे हैं, चकाचक जय जयकार हो रही है इनके। सब आपका प्यार है डियर, सब आपका प्यार है जी। अब राहुल सर तो दिखते नहीं, इनकी आवाज में पूर्णता बढ़ रही, इनकी आवाज में भार बढ़ रहा है ना। साउथ वेस्ट में चकोर लगाना है येलो कलर का, साइज आप स्क्वायर या रेक्टेंगल दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, रेक्टेंगल लगाएं और अच्छा, साइज A4 साइज का पेपर कोई ले लीजिए, तो हमारा अर्थ एलिमेंट भी पुष्ट होगा और हमारे घर में आएंगी स्टेबिलिटी, स्थायित्व, प्रेम और समन्वय। और वेस्ट में तो आपको पता ही है उपाय, जी सर, है ना। उस उपाय पे जितनी चर्चा होगी मुझे लगता नहीं पूरे वास्तु के वर्ल्ड में इतनी चर्चा किसी उपाय के ऊपर होगी, वो क्या है उपाय, तेल का पीपा। सर ये उपाय तो जनता से पूछ लो सर, क्या जिन लोग आज नए जुड़े हैं, 15 kg का सरसों का तेल का आपने एक कनस्टर रख लेना है पीपा वेस्ट में, और आप का आकाश तत्व मैनेज हो जाएगा और आपके घर में हो जाएगी धन धना धन धन। घर के सेंटर में एक कपूर की टिक्की जलाने से सारी दिशाएं पुष्ट होती हैं, इस काम को जरूर करिएगा। इस प्रकार से, हाँ, ब्रह्मस्थान में सेंटर ऑफ योर हाउस, चाहे वहां कुछ भी हो, इस प्रकार से अगर हम कुछ छोटे छोटे उपाय करेंगे, और अगर आपकी इच्छा ऐसे सैकड़ों उपाय सीखने की है या उनको बनाने की है, तो आप कोर्स कर लीजिए। ये रेडी उपाय हैं जिनका रिजल्ट हम ले चुके हैं, कोर्स शुरू होते ही हो जाता है, या वेबिनार में ही लोगों ने किया, सभी पार्टिसिपेंट्स ने किया और जय जयकार हुई। और अगर आप ये प्रोसेस ही सीख लो यार कैसे बनते हैं, तो आप उसके लिए राहुल सर से संपर्क कर लें। बिल्कुल, कब क्लासेस आ रही हैं? 30 नवंबर तुरंत अभी तुरंत अभी अभी सो क्लासेस आ रही, जो लेट हो गया वो क्या हो जाता है सर, प्रोकास्टिनेटर में रह जाता सर वो, नहीं जो लेट हो गया वो लटक गया, लटक गया तो प्रोकास्टिनेशन नहीं करनी, प्रोकास्टिनेशन छोड़िए, एक्ट करिए, राइट। सो प्रोएक्टिव, बी अ प्रोएक्टिव, क्योंकि वास्तु सीखना आपको अपने लिए है,
ये बेसिक टू एडवांस सीखने के बाद एटलीस्ट आप अपनी जीवन का तो वास्तु समझ पाएंगे ये कैसे करना है। कंसल्टेंट तो आपको वेबिनार में बना दिया, हाँ शुरू हो जाता है, कोई बात नहीं, हजारों की तो आने, हजारों में आना तो शुरू हो जाता है फर्स्ट के सेवन डेज में, शुरू हो जाता है, हजार पति हो जाते हैं और लख पति के लिए प्रोफेशनल कराएंगे कराएंगे जी। तो इसको ज्वाइन करने के लिए मेरा नंबर है 7715930333। एक दिल में संशय मत, ज्वाइन करें। पेटीएम नंबर भी है क्या राहुल भाई आपका? नहीं सर, ये पेटीएम नंबर। सर पेटीएम नंबर बताओ ना फटाफट, ताकि किसी के दिल में अभी पैसे देने के तो वो देगा ना आपको। मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। हाँ बिकॉज पीपल आर ग्रेट प्रोएक्टर्स, तो जरूरी थोड़ी ना कि आप, आपके लिए सुबह तक का वेट करें, पहले आपसे संपर्क करें, जानकारी तो सारी हो ही गई। राइट सर, मैं अभी शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड। sure. बोल दीजिए। ओह वाओ, दैट्स गुड। विजिबल है सर? एकदम एकदम विजिबल है डियर, एकदम विजिबल। सो ये बैंक डिटेल्स, पेटीएम, गूगल पे नंबर है। दिल में संशय ना रखें, बात करने से बात बनती है, बात तो करें। कोई भी हो सर, आप कहिए, इतना सब लोग, ये नंबर, ये हमारा काम नहीं है, ये राहुल सर का ही काम है। सो जी सीताराम जी भैया, सर एक बोलिए, कहिए सर, कहिए। सीताराम जी बोल दी, अनम्यूट है, बोलिए प्लीज बोलिए। अच्छा सर, मुझे से कह रहे हैं सर, ये जो लाल मिर्ची का जो आपने बताया है 1.25 किलो, अगर वहां पर टॉयलेट आ रही हो तो टॉयलेट के बाहर रख दीजिए जी, टॉयलेट के बाहर रख दीजिए, अंदर रखना तो खतरे से खाली है, नहीं है तो प्लीज टॉयलेट के बाहर रख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, ओके सर। हीना जी को अनम्यूट किया। श्योर श्योर जी, हीना जी। राधे राधे सर। यस मैम, राधे राधे। सर मेरा, मेरे दो क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है। सबसे पहला क्वेश्चन एक ही था कि सर, हर किसी के घर पे जो हम भगवान रहते हैं तो कहीं ना कहीं सब लोग लगाते रहते हैं, जैसे स्टिकर आ गया कबर्ड पे लगा दिया, फिर कोई यूनिट आ जाता है वहां पे लगा देते हैं, या फिर यूनिट के अंदर रख देते हैं, तो ये सही चीज है कि गलत चीज है? देखो कुछ लोग इसे गलत मानते हैं और कुछ लोग इसे सही मानते हैं, ठीक है ना। तो अगर भगवान जी ठाकुर जी का एक कक्ष हो तो ज्यादा बढ़िया, जिसे हम पूजा कक्ष कहते हैं, वहां जितने मर्जी रखिए, इट्स गुड। लेकिन अगर आप वैसे भी बिना पूजे भी इधर उधर रख सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। भगवान तो सर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, ठीक है। बेडरूम में, टॉयलेट में और किचन में ये कैलेंडर्स लगाने से बचना चाहिए, या कोई भी मूर्ति रखना, ठीक है जी सर। और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मतलब मेरी मदर इन लॉ के नानी के टाइम से हमारे घर पे कुछ ये है, सिल्वर के गॉड है, मतलब ऐसे छोटे छोटे, जैसे राधा कृष्ण हुआ, फिर लक्ष्मी नारायण, गणपति, वो चांदी के, तो मेरी मदर इन लॉ ने उनको गोल्ड का बनाया, मतलब उनपे गोल्ड का पानी चढ़ा के रखा हुआ है, तो वो पता नहीं क्यों मुझे उसको देख के मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो यूनिट के अंदर है, मतलब जैसे हम शोकेश में चीजें रखते हैं हॉल में सजाने के, तो वो चीज मुझे पता नहीं क्यों बुरी लगती है। तो मंदिर में स्थापित कर दीजिए, जो चीज आपको वाइब्रेट अच्छा नहीं कर रही तो उसको, उसकी स्थान बदल लीजिए, यानी वो कह रही है आपसे कि मेरे को बदलो, तो उसको, क्योंकि मेरा मुझे मंदिर बना हुआ ना सर, वो किचन में बना हुआ, तो मैं वहां रख दूं तो चलेगा उनसे? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में बनाओ ना नया मंदिर, एक पॉसिबली नहीं है तो नॉर्थ में बनाओ, तो उस वहां पे उनको मैं रख सकती हूँ। हाँ ईस्ट में बनाओ, मैं तो बहुत सारे डायरेक्शंस दे रहा हूँ आपको मंदिर बनाने की, लास्ट में साउथ ईस्ट में बनाओ, कितनी डायरेक्शन होगी, चार डायरेक्शन होगी। हाँ, जैसे मेरा घर टेरेस का फ्लैट है, लाइक हम लोग की टेरेस हमारे घर से ही है। नहीं ना मैम, क्लास में भी बताएंगे ना बाकी कहते हैं। तो सर प्लीज प्लीज सर, सिर्फ ये मंदिर अगर बनाना है तो मेरे घर का काम चालू है सर, तो बनाओ मैम।
तो बाथरूम से मैं वो जगह मेरी खाली है तो मैं वहां पे उनको काम शुरू कर दूंगी, इसीलिए और कुछ नहीं। कर दो मैम, फटाफट कर दो, बाथरूम नहीं बनाना। सर टेरेस पे जो रूम है वहां पे बना सकती हूँ मंदिर एकदम तुरंत? ओके सर, सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। ओके और सर आपके डैड बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पक्का डन। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू सो मच सर। जी विवेक जी थैंक यू, थैंक्स फॉर योर काइंड ब्लेसिंग्स मैम। और आगे बताएं। जी विवेक जी। नमस्ते राहुल जी। नमस्ते सुमित जी। जी सर एक क्वेश्चन है मेरा जो प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने से रिलेटेड है। हमने कहा था कि ब्रह्म स्थान निकालेंगे हम लोग प्लॉट के उससे है ना, प्लॉट के डायगोनल इंटरसेक्टिंग लाइन से। हाँ हाँ। ब्रह्म स्थान जो है वो 10% या के आसपास उसकी वो होती है एरिया। बिल्कुल है ना। जैसे हम ब्रह्म स्थान से दूर जाते हैं तो एंगल बढ़ता है जी। तो जितना पास होंगे उतना एंगल छोटा होगा जी। तो मतलब जो डायरेक्शन से साउथ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट साउथ है, ये जो एरिया जो है वो स्मॉल है जो आप घर ब्रह्म स्थान के पास में। अगर मान लो कमरा जो है, जो भी कमरा उस साइड पर है किसी भी एंगल पर है, वो उस छोटे से एरिया में नहीं आता, वो थोड़ा नेक्स्ट मतलब थोड़ा दूर पड़ता है, तो उस सिचुएशन में हाउ डू वी फाइंड आउट कि ये सही इसमें कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरी बात समझ रहे राइट? कि कई कमरे जो होते हैं वो ब्रह्म स्थान के अंडर अंडर ही आ जाते हैं, होते नहीं कमरे उस साइड के बाहर। तो ग्रेडिंग करेंगे ऐसा उसकी मैप की है ना? अच्छा। मैप ग्रेड कर दो कोर्स में। सबसे पहला दिन शायद पहला या दूसरा दिन यही होता है, मैप ग्रेड करना सिखाते हैं किस डायरेक्शन का कितना एरिया, कितना एरिना है, कितने एंगल तक वो डायरेक्शन चल रही है, सब तो बात करेंगे ना, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ब्रह्म स्थान स्क्वायर होता है कि सर्कल होता है, क्या होता है ब्रह्म स्थान का? दोनों तरीके से निकालते हैं भैया, स्क्वायर भी निकालते हैं सर्कल भी निकालते हैं। अच्छा ओके ठीक है ना, डन। थैंक यू जी, नो इश्यू। थैंक यू विवेक जी। जी आईफोन जी। हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस बिल्डिंग का स्टेयरकेस है, मैंने नॉर्थ ईस्ट घर का कट होके बिल्डिंग स्टेयरकेस है ग्राउंड फ्लोर पे हमारा जी। तो ये क्या मैंने क्या चीज करने, मैंने हमारे घर के सामने स्टेयर्स ऊपर जा रहे हैं और पास के घर में स्टेयर्स नीचे जा रहे हैं जी। जी तो स्टेयरकेस नॉर्थ ईस्ट में तो नीचे जाए तो ऊपर जाना अच्छा है? नहीं, हमारे घर के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट बिल्डिंग का स्टेयरकेस है और नॉर्थ ईस्ट घर का कट गया है उसके लिए बिल्डिंग में। जनरेट करो ना मैडम, नॉर्थ ईस्ट में वो नीला रंग का बल्ब लगा दो, उससे हो जाएगा। होगा ही होगा मैडम, अभी तो ये कर लो, बाकी क्लास के अंदर कंटेंट जो आपको पढ़ाया जाएगा और एक्सप्लेनेशन के साथ सिखाया जाएगा। हाँ जी, मैं क्लास में तो हूँ आपके। नॉर्थ ईस्ट में ये जो बल्ब आप बोलते हैं ब्लू और वो रेड, तो ये ब्लू कोई पर्टिकुलर शेड लाइट ब्लू डार्क ब्लू व्हिच इज बेटर ऐसा कुछ है? जैसे आपको अच्छा लगे सर। ने जो जैकेट पहन रखी सेम वही कलर वैसा कर लगा, नीला होना चाहिए बल्ब और क्या। एक सफेद रंग का बल्ब लो, उसके ऊपर नीले रंग की पन्नी चढ़ा के लगा दो, हो गया नीला। इसमें कौन सी बड़ी 60 रुपए का आ जाता है, क्या इसमें इतना दिमाग लगा? 60 रुपए का बल्ब हर कंपनी का अवेलेबल है, 1 साल की गारंटी के साथ, 2 साल। हाँ जी। और जी, और सेंटर ऑफ द हाउस में मेरे बड़े बड़े क्रिस्टल्स रखे हैं मैंने, जैसे जियोड्स है, ब्राजील से आते हैं, बड़े जियोड्स होते हैं। चलेगा मैम? तो सेंटर ऑफ द हाउस में चलेगा ये सारे क्रिस्टल मैंने? देखो अगर बहुत भारी है तो सेंटर ऑफ हाउस भारी हो जाएगा है ना, तो सेंटर ऑफ हाउस को हमें अलग अलग रखना है, तो अलग अलग क्रिस्टल्स की अलग अलग डायरेक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू कलर आप उस डायरेक्शन में रख लीजिए। तो ये आप फर्स्ट में करने वाले हैं ना? नहीं 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 नहीं, कलर करूंगा। हाँ। कलर तो सब बताऊंगा ही बताऊंगा, तो लाइक एक एग्जांपल ले देते हैं, लाइक एमेथिस्ट इज अ पर्पल कलर है ना? जी जी, एमेथिस्ट रॉक जो आती है काफी बड़ी बड़ी भी रखते हैं। हाँ, बड़े आते हैं। पुट इट इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, वो आपका काम कर देगी एकदम जयजयकार वाला, पैसे बहुत सारे आ जाएंगे। और बड़े सिट्रीन्स हैं और एमेथिस्ट भी है, बस सारे राज नहीं खोलूंगा आज। नहीं, सिट्रीन कहाँ रख दूं? मुझे नहीं पता मैडम, मुझे वास्तु आती नहीं करनी। थैंक यू सो मच। एक बार संदीप सर मैंने पता क्या किया,
एक इंडस्ट्रीज के पास गया तो उसकी मैं न्यूमरोलॉजी देख रहा था, मैंने तुझे ना सेलिब्रिटी बना देता हूँ, मतलब तेरी जय जयकार हो जाएगी, मैंने ऐसी विद्या सीखी है। जब ये लॉकडाउन, अपने लॉकडाउन वाला जो कोर्स है जूम पे, उसके बाद जैसे लॉकडाउन खुला मैं उसके, उसने कहा ठीक है भाई बता दो क्या करेगा, मैंने उसका नाम लिया, डेट ऑफ बर्थ ली, ग्रिड बनाई फटाफट, ये करा वो करा, नाम के नंबर नंबर सब टेक दी मैंने। अब वो उपाय बता रहा हूँ जी, तू सेलिब्रिटी बनेगा, अब क्या होगा, मैंने अच्छा मैं चल रहा हूँ यार भाई, किसी की कॉल आ गई अरे भैया बता दो, जाओ बता दो जाओ, मैंने पहले 20,000 रुपए ट्रांसफर कर पेटीएम में, तब बताऊंगा तेरे को। सर मतलब वो नाराज होगा कि आप भैया पैसों के लिए ऐसा कर सकते हो, ये कर सकते हो, फलाना धमाका ये वो, मैंने बस यार भाई अब नहीं, मन नहीं कर रहा, मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं जा रहा हूँ। ये तो मतलब इतने बड़ा फैक्ट्री वाला तो 20,000 रुपए नहीं दे सकता, और तू सेलिब्रिटी बनेगा बता कहाँ चला जाएगा, तेरी जय जयकार हो जाएगी, और तू इतना नहीं कर सकता। और मैं उठ के चल दिया सर, देखा तो पीछे पेटीएम में टन से 20,000 रुपए आ गए वापिस आया, उसके नाम की स्पेलिंग में एक ए लगा दिया मैंने। अब ये एक आज से ये वाली स्पेलिंग को फेसबुक के ऊपर कर देना, 180 दिन का तुम्हारा कोर्स है, इसे लिख देना, कह रहा खाली ए लगाने के लिए 20,000। मैंने भाई अभिषेक बच्चन ने भी एक ए ही लगाया है, अभिषेक ए बच्चन किया है, भाई की सीरीज आ गई तो तेरी क्यों नहीं आएगी, क्या बात कर दी तूने। लेकिन भगवान की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है, 2 यूनिट लगा ली सर उसमें। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दैट्स अ पॉजिटिव वाइब्स एंड रिजल्ट्स। बिल्कुल, तो वही मैंने मैम के साथ किया है, मैंने अगला अगली कहानी बताऊंगा कोर्स कभी कभी ऐसा ब्लैकमेल भी करता था, बुरा मत मानना प्लीज। नहीं सर ब्लैकमेल नहीं है। हाँ सर, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनको भी तो पालना। सर बात करेंगे विजय पाटिल जी से। जी विजय भाई, ओ सॉरी विपुल पाटिल जी से। विपुल जी बताइए। हाँ थैंक यू सर। हेलो सुमित सर, हेलो संदीप सर। जी डियर, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया सर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इसमें आपने तांबे का सूरज लगाने के लिए बोला था, तो वहां पे अगर टॉयलेट बाथरूम आता रहेगा तो भी बाहर लगा दो ना, क्या दिक्कत है? टॉयलेट बाथरूम के बाहर लगाना है, राइट? जहां ईस्ट है वहां लगा दो, ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू राहुल सर। हाउ डू यू डू जेवन सर, कैसी तबीयत है पहले ये बताइए आप। जेवन सर अनम्यूट करें। हाँ जी नमस्कार, जय जयकार, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, घर आ गए सर? बहुत बढ़िया है। नहीं जी, हॉस्पिटल में भी एक वीक और। क्या बहुत बढ़िया सर, ये बताओ आपने क्या कहा? हाँ मैंने कहा, मैं तबीयत के लिए कहा ठीक है, बाकी आपके लिए कुछ कहना चाह रहा था मैं। बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद सर माथे। आशीर्वाद सुमित रावत जी का, जिन्होंने भी वास्तु देखा है, किया है और समझा है और उसके हिसाब से काम किया है, नेचुरल हर एक तरीके पर, ये पहली बात। उससे भी पहली बात, ये जो बताते हैं अगर वो आप नोट करके काम भी कर लें तो आपका बेड़ा पार है, जय जयकार है। क्या बात है, जय जयकार है, बेड़ा पार है, आज नई चीज जुड़ गई है। बेड़ा पार, जय जयकार। सिर्फ इस बात को छोटे में मत लेना, बहुत गंभीरता से लेना। हर एक को जीवन में कहीं ना कहीं, चाहे वो कितना भी ऊंचा बन जाए, कुछ ना कुछ चाहिए होता है, चाहे वो परिवार के लिए, संतान के लिए, बिजनेस, व्यापार, नेम फेम, कई चीजें हैं। संतान हो सकता है, डाइवर्स होने वाला हो तो वो रुक जाए, पति पत्नी में प्रेम संबंध, कई चीजें हैं जिनके छोटे छोटे टिप्स भी अगर सुमित रावत जी से आप सुन लें, नोट कर लें और कर लें तो भी काम होगा। तो ये जो 2-3 जो कोर्स है इनके, वो आप कीजिए एडवांस, एडवांस के बाद आप फिर प्रोफेशनल जो भी है वो कीजिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है। आपके पिताजी के हिसाब से साथ में बैठा हुआ हूँ ना वहाँ पे, जब वो आएंगे मैं भी बाहर आ जाऊंगा। जी आप तो खुद मेरे लिए फादर फिगर हैं, शामिल हो गया, इसीलिए मैं शामिल हो गया उनके साथ। जयविंद सर फादर फिगर हैं, और मेरे फादर इस समय हॉस्पिटल में, मेरे फादर इन लॉ इस समय हॉस्पिटल में, तो कभी मालूम है, कभी कभी तो मैं भी शामिल हो गया, मैं भी शामिल हुआ, इसीलिए सब लोग ठीक हो जाए, बाहर निकाले उनको बाहर। आप वैसे ही आशीर्वाद दो सर, जयविंद सर, क्या जरूरत है आपको हॉस्पिटल जाने की, आप घर बैठे बैठे हमें आशीर्वाद दो। सुमित रावत जी के, उनको बाहर लाना है,
थैंक यू। मैं पूरे परिवार के साथ आपके सुमित सर, आपके फादर और फादर इन लॉ के लिए, जैविन सर के लिए, संदीप सर के लिए प्रार्थना करता हूँ पूरे परिवार कि आप लोग पूरा परिवार बहुत जल्द स्वस्थ होकर अपने घर परिवार के साथ वापस से शामिल। ये मेरे अकेले की नहीं, यहाँ बैठे हुए हर साथी की तरफ से प्रार्थना है, बहुत जल्द ही इसमें हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल आपकी दुआ भगवान कबूल करे। जी करेगा सर, बिल्कुल 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 सर, आपकी ब्लेसिंग्स हैं। हमारी तो भावना है, इच्छा है और श्रद्धा है भगवान पे, तो ये जरूर पूरी करेगा। जी जी सर, थैंक यू, थैंक यू। आप सबका सहयोग राहुल जी बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, चला रहे हैं आप, थैंक यू। वाकई में आज रावत जी ने सही कहा था कि यहाँ के कौन है, फर्स्ट आपका नाम लिया था इसलिए। रावत जी ने, सुमित रावत जी ने आपके लिए यही कहा था, सही शब्द, बिल्कुल सर, ब्लेसिंग है सर, छोटे भाई की तरह। थैंक यू वेरी मच जेविन सर, थैंक यू, योर ब्लेसिंग्स सर। और राधे राधे टू ऑल, जय राधे राधे टू ऑल, जय विश्व ऑल। तो क्लासेस के लिए ज्वाइन करें, अपने जीवन को सुगम बनाए। सर दो कोई स्पेशल टिप्स एजुकेशन पे, सर एजुकेशन के ऊपर ना, राइट। तो अगर आपके बोर्ड आ रहे हैं, खुद पढ़ना चाहते हैं या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक डायरेक्शन नोट कर लिए, WSW, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये एजुकेशन की डायरेक्शन है। आप माँ सरस्वती की पिक यहाँ पे भी लगा सकते हैं, अपने बच्चों का स्कूल बैग यहाँ रखने से बच्चों के अंदर जागृति पैदा होती है पढ़ने के लिए, और उन्हें जो विषय है बहुत तेजी से समझ में आता है। बच्चों का इसी दिशा में आप लगा सकते हैं स्टडी टेबल, और उसकी फेसिंग होनी चाहिए ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ, यानी तीन दिशाओं की तरफ आप फेस करके बच्चों को पढ़ाएं, तो आपके बच्चे जय जयकार वाले मोड में पढ़ेंगे। अगर आपको ये दिशा नहीं मिलती, मान लीजिए क्योंकि कोर्स नहीं किया आपने, अगर नहीं मिलती तो भी बच्चों का मुंह पूर्व, उत्तर पूर्व यानी ईशान या उत्तर की तरफ करने से नंबर बढ़ जाते हैं, इसमें शक की कोई बात नहीं। तो आज की टिप्स हो गई, एक तो नॉर्थ ईस्ट में सरस्वती माँ की पिक नहीं मिले तो सॉरी WSW में लगाइए, और अगर आप अपने फेसिंग को उधर कर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे मार्क्स बढ़ जाते हैं। इसका क्या प्रमाण है जी। आप मोबाइल पर वीडियो गेम खेलें, साउथ साउथ वेस्ट या वेस्ट की तरफ फेस करकर, अगर कोई वीडियो गेम खेलने का आपको शौक है, और उसके उसके अंकों को नोट कर लीजिए कि आपके कितनी स्कोरिंग हुई, और वही वीडियो गेम को आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ फेस करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पॉइंट्स में बढ़ोतरी हो गई ऑटोमेटिक। प्रैक्टिकल मतलब लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम करके देख लो, कर और पा, कर और दे, कर ले बिल्कुल जैसे कृपा क्षेत्र से कृपा आ रही है आपको, कर और पा से, वैसे ही बात करने से बात बनती है। तो जब आपके इसके अंक बढ़ सकते हैं गेम्स के, तो क्यों नहीं आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, और 100 बिल्कुल 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 बढ़ सकते हैं, राइट सर। एक और टिप जी सर, जैसे मैं शुरू में कह रहा था, सर ने कहा था कि हम लोग वास्तु किसके लिए करते हैं, हम लोग फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्ति के लिए भी वास्तु कर सकते हैं, और वास्तु करने से होता क्या है, हमारी कुंडली का चौथा भाव एक्टिवेट होता है और हमें अपना घर मिल जाता है, घर गाड़ी जो है वो उसी भाव से संबंधित है। तो अगर आपके पास एक रूम का घर है तब भी वास्तु कर सकते हैं, और वो रूम भी नहीं है तो पहली टिप तो ये थी कि आप साउथ में सिर करके सो लें। दूसरी वास्तु टिप ये है कि अगर आपको पानी पीना है तो अपना फेस नॉर्थ की तरफ कर लें, तो धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ को क्या बताया मैंने आपको, वाटर एलिमेंट, और वाटर हमारी बॉडी का कितने परसेंट कंस्टिट्यूट कर रहा है, 75%, हमारे पास 75% हमारे पास तो पैसा है ही अवेलेबल, केवल एक्टिवेट करना आना चाहिए। तो धन को तेजी से एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उत्तर फेस होकर आप पानी पिए और धन को अट्रैक्ट करें, जरूरत ही नहीं। जय जयकार सर, इस बात पे तो आपकी जय जयकार सर, थैंक यू। तो ये तो बहुत अमेजिंग और अल्टीमेट टिप थी, क्योंकि पानी दिन में हमको कम से कम 20 से 25 बार पीना है, 25 बार पीना है तो क्या फेस उत्तर करके पी लो ना, उसमें क्या उत्तर कैसे निकालोगे, वो आपको मोबाइल में है, मोबाइल से उत्तर निकालो, बस जल पीते समय बैठना है तो उत्तर की तरफ करके बैठना है, और क्या करना है,
क्या बात है सर, ये तो आपने गजब की टिप दे दी सर। ये आइडिया अभी आया या एक्टिवेटेड था सर? बहुत दिनों से दिया है। ये नीले रंग की जैकेट का कमाल है सर। हाँ, ये नीले रंग की जैकेट का कमाल है सर। क्या धन की बात हो रखी है सर। धन धनाधन धन। सो बहुत सिंपल सा, नॉर्थ फेसिंग करके पानी भी पियेंगे तो भी धन की वर्षा होनी शुरू करके तो देखिए। अब इसमें तो पैसे नहीं लग रहे, पानी तो पीना ही है। पानी पीना ही है, मजबूरी है पीने, जल पीना है, बस एक्टिवेट कर लीजिए। तो जी सर, आदेश करें सर। जी डियर सर, बच्चों से बातें करेंगे, क्वेश्चंस लें फटाफट फटाफट। हाँ फटाफट, बहुत तेजी से लीजिए, कोई बात नहीं। नो राधे राधे, नो जयगुरी, स्ट्रेट क्वेश्चंस पे आते हैं। स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन। राइट, आई विल स्टार्ट फ्रॉम अभी हमारे यहाँ। अभी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, 20 पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चन है हमारे पास, 20 मिनट्स हैं, एक मिनट में क्वेश्चन पूछे, एक मिनट में आंसर करता हूँ, 20 मिनट में ये समाप्त क्लियर हो जाएगा बस। ठीक है जी परमजीत जी। सर मेरे ईस्ट में सीढ़ियां हैं सर, तो उसके नीचे कॉपर का सन लगा सकता हूँ मैं? हाँ, अरे नीचे क्यों, जहां से ऊपर राइजिंग सर, राइजर पे लगाओ सामने सा। सर ऊपर वो ऊपर जाली लग रखी है ना, उसमें फिर वो पर्दे लगा रखे हैं, वो बाउंड्री है। कोई बात नहीं, कहीं भी लगाओ, कोई इशू नहीं है। नहीं, सीढ़ियों के नीचे लगा सकता हूँ सर? लगा सकते हो, कंफर्म? अच्छा अच्छा। और सर जो आपने मिर्चों वाला जो उपाय बताया सर, उसमें जैसे जो मेरा साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो मैंने बाहर ट्रायंगल लगा रखा है, तो मिर्चे वहाँ वही ट्रायंगल के साथ लगा दूं? नीचे रखनी है जमीन पे, नीचे रखनी है, जमीन टच होनी चाहिए ना। ठीक 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 ठीक, थैंक यू सर। पर आप तो प्रोकास्टिनेटर नहीं है, आपको क्या जरूरत है मिर्चों वाला उपाय करने की? You are a doer. फिर भी थोड़ा ऐसा महसूस होता, थोड़ी एनर्जी में थोड़ी कमी है सर। ठीक है सर, ठीक ठीक। आप बादाम खाना चालू करो, बढ़िया सर। मैं तो सर आप बोलो मिर्ची खा लो, थोड़ी एनर्जी और बढ़ जाएगी। अरे नहीं यार सर, ऐसा मैं जुलम थोड़ी ना कर सकता। थैंक यू सर, थैंक यू जी। जी मेहता साहब। हेलो जी, बताइए। जय गुरु जी सर। मैम डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट। अच्छा, मेरी बिटिया रहती है यूएस में, तो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है उसने कई बार, भी 2-3 साल हो गए, लगता नहीं जी। नॉर्थ वेस्ट में एक हवाई जहाज लगाना है, मैंने बताया था आपको। यूएस में है वहीं लगाए कि हमने घर में लगाना है? अरे दोनों जगह लगा लो, क्या फर्क पड़ रहा, पता नहीं कहाँ का उपाय लग जाए। ठीक है, कभी लग जाए क्या पता, और क्या। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, नेक्स्ट। ए मिस्टर ए, मेरे को पूछना था, एक बार मेरी फ्रेंड की लाइक वो एग्जाम दे रही है बट क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्या करें? वो लाइक बॉटल से भी पानी पीती है एंड स्टडी टेबल नॉट। थोड़ा थोड़ा दोबारा बोलिए मैम, आपकी आवाज नहीं समझ आ रही है, थोड़ा माइक को दूर करके बोलिए। सर मेरी सिस्टर एग्जाम दे रही है बट उसका क्लियर नहीं हो रहा है पेपर, और कुछ उससे फर्क पड़ता है कि रेड बॉटल से पानी पी रही हो? रेड बॉटल का तो इतना इम्पैक्ट नहीं है पीने का, थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है रेड बॉटल से अगर पानी पिएगा बंदा तो। आपने उसकी फेसिंग करा दो ना मैम, ईस्ट वाली साइड में। किसको, किस उस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? सर सीए दे रही है। सीए का नॉर्थ फेस करना चाहिए, पैसे से संबंधित है। ठीक है ना, तो उत्तर की सारी रेमेडीज कर दीजिए, भगवान ने चाहता इसी साल क्लियर होगा। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में बाथरूम है दोनों, तो नॉर्थ ईस्ट में नीले रंग का बल्ब, साउथ वेस्ट में पीले रंग का बल्ब, या पीला चकोर लगा दो। ठीक है, ठीक है सर। और कोर्स में आ जाओ, फिर बाकी बताऊंगा वहाँ क्या क्या होगा। ठीक है सर, क्योंकि हमें सर किसी ने बोला था भी आप नॉर्थ ईस्ट से टॉयलेट बिल्कुल ही हटवा दो। वो मैम किसी, मैंने ही भेजा था वो किसी को। छुड़वाने की जरूरत नहीं है मैम, छुड़वाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारी रेमेडीज हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज आपको कोर्स में मिल जाएंगी, ताकि आप लोगों को तोड़ने की, मकान को तोड़ के खर्चा करने की जरूरत नहीं है, वैसे बहुत कम एक्सपेंस में ही आपका काम हो जाए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी। रूप भाटिया जी। हाँ जी सर। सर WSW का मीनिंग एक बार दोबारा क्लियर करोगे? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ओके। और सर ये जो आपने 15 लीटर टीन वाला बताया था, ये हेल्थ के लिए भी है इम्पोर्टेंट या ओनली? जी जी, बहुत बढ़िया एकदम, हेल्थ में जो इनको ये वात रोग हो जाते हैं उनको बहुत फायदा करता है। ओके सर, थैंक यू मैम जी। शालिनी जी। सर जी पीतल का सूरज भी लगा सकते हैं? पीतल नहीं लगता मैम। ओके हाँ, तांबे का ही लगाना है? बिल्कुल
ईस्ट में। हाँ जी 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 सिक्का जी। नमस्कार सर। सर मैंने आपसे उस दिन बात की थी, साउथ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो आपने बताया था वाटर टैंक के बेस पे रेड पेंट करा दें। हाँ जी। वाटर टैंक के वहाँ पे पेंट इतनी देर स्टे करेगा जब हम उसके ऊपर दोबारा पानी भरेंगे तो? अरे ढक्कन के अंदर, ढक्कन उठाओ अंदर। हाँ जी, मतलब टैंक के अंदर उसके बेस पे हम रेड कलर पेंट करेंगे। मैंने तो नहीं बेस पे कहा मैडम। हाँ जी, आपने क्या बोला, ढक्कन के अंदर वाली साइड पे? हाँ जी। ओके ओके, कर दो मैडम। सराउंडिंग में हम कॉपर ब्रास की स्ट्रिप्स भी लगा सकते हैं? नहीं, ब्रास क्यों लगाएं, कॉपर लगाओ ना मैडम। अच्छा जी, साउथ ईस्ट में उसके लिड के अराउंड कॉपर स्ट्रिप लगा दें। अगर यूज करना है मेटल तो कॉपर करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू जी। जी महेश भाई। जी महेश जी। हेलो सर। सर मैं आरटीओ का तैयारी कर रहा हूँ, फाइनल लिस्ट लगना है, उसके लिए क्या रेमेडी? आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का तैयारी कर रहा हूँ सर अभी। सर, ईस्ट फेज होके पढ़ना शुरू कर दो। ईस्ट, ईस्ट। हाँ, अभी एग्जाम खत्म हुआ है सर, फाइनल लिस्ट लगना है सिर्फ। फिर तो आरटीओ लिख के व्हाइट कलर के पेपर ब्लैक से नॉर्थ वेस्ट में लगा दो। नॉर्थ वेस्ट में सर? हाँ, आर टी जो भी हो। ओके, देखो फिर उसका कैसे होता है। ब्लैक ब्लैक कलर के पेन से लिख के नॉर्थ वेस्ट में लगाना। थैंक यू सर। ओके जी। सुधीर जी। जय गुरु जी। सर बोलो। सर साउथ वेस्ट में गेट है और काम की कोई अपॉर्चुनिटी बनती नहीं है। अरे वो नीना मैम ने बताया था ना आपको, गेट लगाना है कोर्स करने के बाद। देखो उनके पास आ गई तो आपके पास भी आ जाएगी। साउथ वेस्ट में जैसे गेट को दूसरी जगह शिफ्ट करोगे वर्चुअल, हो जाएगा वो काम, है ना। अब गेट की रेमेडी जो है वो चूंकि थोड़ी कॉम्प्लेक्स है तो उसी में देखेंगे। तो किस तरफ लगानी सर? वही तो मैं कह रहा हूँ, कोर्स में बताऊंगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। वो आपको कोर्स में बताया जाएगा, फाइंड करनी पड़ेगी एक्चुअली वो ना, क्योंकि 32 तरह के द्वारों के बारे में बता के उसके बाद। सर मनी अपॉर्चुनिटी बनती नहीं है, कुछ काम नहीं बनता। वो मैंने इतने सारी टिप्स बता दी सर मनी अपॉर्चुनिटी की, कर दो सब। जी अमरजीत जी। सर अगर साउथ वेस्ट में ऑलरेडी येलो कलर हो तो तब भी चकोर लगाएं? नहीं नहीं, फिर कोई जरूरत नहीं। और ईस्ट में स्टेयर हो तो ग्रीन बल्ब लगा दो, सिंपल। ग्रीन कलर ऑलरेडी वॉल पे है तो चलेगा? बस बस ठीक है फिर, और क्या, आपने सब काम तो कर ही रखे हैं, जय जयकार हो जाएगी। ग्रीन कलर के ऊपर सूरज लगा दो कॉपर का। एक मिनट मैं अनम्यूट कर रहा हूं। योगेंद्र भाई बोलिए। योगेंद्र सर कर दिया सर मैंने। जी सर। सर एनडब्ल्यू में टीचिंग रूम है बच्चा का, क्या उपाय है सर उसका? एनडब्ल्यू में स्टडी रूम है जी सर, होना नहीं चाहिए सर। वेस्ट में बैठा के पढ़ा लो उसको, नहीं तो मन नहीं लगेगा उसका पढ़ने में ना, वो कूदता रहेगा सारा दिन। हां पढ़ता तो नहीं लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं बच रहा है रूम में, उसी में उस जिस कमरे में पढ़ रहा है उसकी वेस्ट वॉल पे बैठा दो उसको। अच्छा ओके, ठीक है, इतना तो काम करेंगे। ओके जयप्रकाश भाई। टेस्ट बेस रहेगा सर। जयप्रकाश भाई। जय गुरु जी सर। सर आपने जो भी रेमेडीज बताते हैं जो भी बताते हैं, एक्चुअली मैं 2 BHK फ्लैट में रहता हूँ सर, जिसमें कि 3 बालकोनी है सर, तो बालकोनी में ये सारे रूल्स जैसे कि लाइट लगाना या ट्रायंगल रेक्टेंगल लगाना ये सब कर सकते हैं जाके? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके जी। गीता जी। सर अगर आपका सेंटर डिवाइड हो तो क्या करना चाहिए? सेंटर गैलरी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? फिलहाल तो पीले रंग का बल्ब लगा लो, बाकी कोर्स में बता दूंगा कैसे क्या करना है ना। ओके थैंक यू सर। नीतू मैम। नीतू जी। जय गुरु जी। सर जी, सर सबसे पहले तो आज बहुत सारे हेल्थ इश्यूज का पता चला है, सबके लिए बहुत सारी दुआएं, बेस्ट विशेस, सब अच्छे हों, अपने घर आए। और सर आपने जो मिर्ची बताई है वो फ्रेश लेनी है कि ड्राई वाली? साबुत 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 ड्राई की फ्रेश वाली नहीं, ड्राई ड्राई
और सर दो मेरे क्वेश्चन ये है कि गैस स्टोव के कलर का भी कुछ फर्क पड़ता है, लाइक अगर ब्लैक हो तो वो? अरे इतना नहीं सोचना, इतना नहीं सोचना, ठीक है ठीक है। और सर सीढ़ियों के नीचे अगर स्टोर हो उसका भी कुछ होता है? कहाँ पे है स्टोर सीढ़ी के नीचे? सीढ़ी कहाँ पे, पहले तो ये बताओ। सीढ़ी आई थिंक सर ब्रह्म स्थान से स्टार्ट हो रही है। ओहो, फिर तो मैडम कोर्स करना पड़ेगा आपको। सब ठीक हो जाएंगे। जी सर। जय गुरु जी। सुमित जी। जी सर। सर एक बात बताओ, मैं अभी साउथ फेसिंग घर में रहता हूँ जी, क्या क्या नुकसान है इसका सर, साउथ फेसिंग का? सर सारे फायदे ही, मैं भी साउथ फेसिंग में रहता हूँ और साउथ से भी खतरनाक। दूसरा घर भी जो देख रहा हूँ वो भी साउथ फेसिंग ही मोस्टली नजर आ रहे हैं मेरे। अरे हम करोड़पति होंगे, बिल्कुल साउथ तो करोड़पति बना देता है, इसलिए चिंता मत करो। साउथ फेसिंग कोई बुराई तो नहीं है ना? अरे कैसे, क्या मैं खुद रह रहा हूँ, मैं तो साउथ वेस्ट फेसिंग में रह रहा हूँ, उससे भी डेंजरस जोन में रह रहा हूँ। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी परेशानी नहीं है, है ना? चलो ठीक है सर, बाकी आपका कोर्स करूंगा अभी मैं बेसिक। कर लो ना सर, मोस्ट वेलकम है आपका। नहीं नहीं बिल्कुल है, ठीक है, स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू जी। संगीता मैम। हेलो सर। हेलो। जय जयकार सर। जय जयकार मैम। मैं हेलो जय जयकार कुछ नहीं करना, सीधा क्वेश्चन पूछिए क्योंकि समय है कम और आपको पता है मैं कहाँ बैठा हूँ। जी सर, कैसे पता करेंगे कि दिशाओं का? कोर्स में बता सकते हैं, है ना? अपने दरअसल कुछ उसका मतलब कुछ होना चाहिए ना पता करने के लिए। ये मैम संगीता मैम, इसके लिए आप एक बार मुझसे फोन में बात करें, मैं आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली। पहले दिन क्लास है हमारी मैडम, पहली दो क्लास। बिल्कुल 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 सर, थैंक यू सर। आपकी पहली दो क्लासों में ही काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है जी। सचिन जी नमस्कार सर। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, लाल मिर्च वाली थोड़ा नेटवर्क का इशू था तो मैं चेक नहीं पता नहीं कर पाया कि क्या है, एक बार प्लीज आप उसे रिपीट कर देंगे। जो लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं उन्हें साउथ ईस्ट में रेड कलर की मिर्ची रखनी है, 1.25 किलो से लेकर जितनी आप चाहें 30 किलो तक रखनी, साबुत वाली है मिर्ची और सूखी रखनी है, ठीक। ओके और सर एक चीज पूछना, टीवी के लिए कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि जैसे बच्चा टीवी बहुत ज्यादा देखता है तो उसे किस डायरेक्शन में हम टीवी को मैनेज कर सकते हैं, मतलब प्लेस कर सकते हैं? टीवी की एक्चुअली डायरेक्शन ENE होती है, जहाँ पे आप प्लेस करके उसको अपनी जिंदगी में लाभ ले सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट। हाँ बिल्कुल, वैसे टीवी और बीवी का कोई इलाज नहीं है, कभी भी शुरू हो जाते हैं। राधे राधे। बोलो मैम फटाफट। सर इसका भी इलाज हो तो प्लीज बताइएगा जरूर। किसका? बीवी का सर। मैंने कहा टीवी और बीवी का कोई इलाज नहीं है हमारे पास, अगर उसके लिए आ रहे हो तो कोर्स मत करना। जब मैं अपनी नहीं सुधार पाया तो किसी और की क्या सुधारूंगा, मैं खुद ही सुधर गया उस चक्कर में। जी सर। डिंपल मैम। जय गुरु जी। राधे राधे। प्लीज क्वेश्चन। सर जी मेरा सन है वो गेम्स बहुत ज्यादा खेलता है, स्टडी बहुत कम करता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये स्टडी वाली टिप्स तो अपनाओ ना जो मैंने आज बताई। ओके ठीक है ना, डन। थैंक यू। और एक कनपटे पे लगाओ जैसे ज्यादा गेम खेलता तो। का मैंने कान के नीचे लगा उसे रैपट पर ठक से एक बार में छूट जाएगा, नहीं पड़ता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सही समय पर सही चांटा मारा जाए, पहली बार में आदत छूटती है आदमी की, सही समय पर। और हमारी माताएं क्या करती हैं, तू ये करता है, तू ये करता है, तू गेम खेलता है, तू वेस्ट करता है टाइम, तू लल्लू है, तू बुद्धू है, तू बेवकूफ है। नहीं, जैसे पहली गलती करे तुरंत चांटा पड़ना चाहिए, उसके ऊपर पूरी किताब है, दिखा दूंगा मैं आपको आज, मैं अपने ऑफिस में नहीं, अपनी संतान को चांटा कैसे मारे और कब मारे, ठीक। ओके बोलिए बोलिए जी। अमृता, अमृता जी। सर जॉब के लिए, मतलब जॉब नहीं है, जॉब पाने के लिए कोई रेमेडी सर? मैम इतनी सारी है, नॉर्थ वाली सारी रेमेडी जॉब के लिए है सर, सब कुछ किया हुआ है, 3-4 बल्ब लगा रखे हैं ब्लू कलर के। 3-4 बल्ब। एक लगाना है 0 वाट का, वो भी 24 घंटे चलने वाला है। मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में 2-3 बेडरूम है, सब जगह लगा दिया, गंगा माता जी की फोटो लगा दी है। बस बस तो होने वाला है मैम, चिंता मत कर, थोड़ा सा पेशेंस राइट। अभी लगाया ना मैम आपने ये सब? अभी पिछले वेबिनार परसों की तरह। जस्ट वेट एंड वॉच, सी योर मैजिक विल बी कमिंग योर लाइफ मैम। 15 दिन से 150 दिन के भीतर, ठीक।
थैंक यू जी मनी जी. हेलो सर, सर हाउ आर यू? आपके स्टूडेंट रह चुकी हूँ आपके फर्स्ट कोर्स में, एंड आई वाज वंडरिंग कि आप का जो ये है कि आपने बताया था चेंज ऑफ डायरेक्शंस करवा सकते हैं आप विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, लाइक नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है वो बहुत प्रॉब्लम करता है और शिफ्टिंग. मैंने आपको चेंज ऑफ डायरेक्शन नहीं कहा, मेरे बाप में भी तो इतनी तबीयत नहीं है या किसी की. सॉरी, शिफ्टिंग कि डायरेक्शन उठा के नॉर्थ को इधर इधर कर दे, नहीं हो सकता वो. सर बाथरूम करा दूं मैं, टॉयलेट में करवा दूं. बट वो एडवांस कोर्स में है या ये कोर्स में रहेगा? फिर एडवांस में, इससे अगले वाले, मतलब इसके तुरंत बाद जो है वो 14 तारीख वाला, 14th को है वो. ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू जी. अश्विनी जी. सर बोल दीजिए मैम. नेक्स्ट ले लेते हैं. राइट सर, मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ. शिल्पी श्रीवास्तव जी. सर मैं चांदी के ग्लास में पानी पीती हूँ पूरे सदस्य का रखा है, तो उसको किस डायरेक्शन में रखें? भर के रखते कुछ देर पी. ठीक है सर, थैंक यू सर. लेकिन ज्यादा चांदी के ग्लास में हमेशा पानी नहीं पीना चाहिए, सुबह एक आधी बार पी लिया, नहीं तो सारी हड्डियां दुखने लगेंगी कुछ टाइम. नहीं नहीं सर, बस 2-3 बार क्या करते हैं, छोटे ग्लास हैं तो उनमें बस भरा और उसको पी लिया और रख दिया. ठीक है, ठीक है. शिल्पी में सोने का ग्लास होना चाहिए. बिल्कुल सर, अब सोने का ग्लास ही रखेंगे. सर मेरे घर का एंट्रेंस साउथ वेस्ट में है. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं सर रेमेडी उसके लिए? एक वर्चुअल एंट्री नॉर्थ में खोल लो और वो कोर्स सिखा दूंगा मैं. ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू. सुरेखा पाटिल जी. सर मेरा साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, इसके लिए क्या करना सर? रेड बल्ब लगाओ मैं फिलहाल, तब तक है ना? ओ बाहर है. बाहर कहाँ है? बाहर मतलब बाहर. हाँ घर से बाहर. अच्छा तो घर से बाहर लगा लो. हाँ घर से बाहर लगा दीजिए कोई बात. ठीक है, चलनी मैम प्लीज कहिए आज आप कहाँ हैं, कहाँ घूम रही हैं तो बताइए, ऐसा लगा रेगिस्तान. आप किससे पूछ रहे हैं सर? आपसे ही पूछ रहा हूँ मैम, बोलो. सर मैं यही हूँ. अच्छा मैं ठीक है, मैं वहीं पे हूँ. कहिए आप, ध्यान से देखिए आपको पता लग जाएगा मैं कहाँ हूँ. ठीक है सर, मैं पूछना चाह रही थी कि अगर किसी की किचन साउथ ईस्ट में है प्रॉपर, लेकिन जो उसका फायर प्लेस है मतलब जो सॉरी गैस है वो नॉर्थ फेसिंग है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता ना. वो ठीक रहेगा? तो उसके नीचे कुछ पत्थर लगाना चाहिए या कुछ भी नहीं तब ठीक होगा? ना, कुछ नहीं, जय जयकार करो बस खाली. ठीक है सर, थैंक यू. और मैं आपको बात करती हूँ. हाँ हाँ बिल्कुल, नमस्कार जी. प्रियंका मैम. जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मैं अपने घर में मतलब अपने घर में नहीं रहती हूँ, मायके में रहती हूँ, तो क्या मैं कोई रेमेडी इनमें से कर सकती हूँ? सारी कर सकते हो, सारी कर सकते हो. ठीक है, अपने मतलब मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मतलब भले एक कमरे का हो, बट मैं ससुराल से जैसे डाइवोर्स हो गया तो फिर मैं अपने घर में से कर दो, बस कर दो, बिना सोचे कर दो. ठीक है, जब हम फुटपाथ के व्यक्तियों के लिए बता सकते हैं जिसमें घर ही नहीं. हाँ, सर आप बार बार ही बोल रहे थे ना, तो फिर मैंने कहा मैं क्वेश्चन. एक कमरे में क्यों नहीं हो सकती है ना, कर दो मैम फटाफट. थैंक यू. भगवान आपको भविष्य में बहुत सारी खुशियां दे, मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स. राइट, थैंक यू सर जी. प्रतीका जी. किशन जी. राहुल भाई. एंजल टाइम सर, एंजल टाइम. थोड़ा राहुल भाई आप जल्दी जल्दी से लेंगे क्योंकि ये भी हॉस्पिटल में है और कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है. 2 घंटे उन्होंने दे दिए हमारे को. जी सर, 5 मिनट और सर, बस खाली 11:15 में कर देंगे. ठीक है सर, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं उसके बाद क्लास के बारे में बता के करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल.
कर दीजिए। मनप्रीत मैम, मनदीप कौर जी, रशि मैम। हाँ सर, मुझे एक चीज पूछनी थी कि मेरे घर की और सर वहाँ पर वाइट कलर का एक बल्ब लगा हुआ है, तो मुझे वहाँ पर और अपॉर्चुनिटीज देख रही हूँ, तो सर वाइट का बल्ब हटा के कैन आई पुट ब्लू कलर का बल्ब? कहाँ बोला मैम आपने, नॉर्थ में? सर मेरी एंट्री जो है N1W8 की एंट्री है, N1W8। N1W8, हाँ जी हाँ जी। और मतलब अच्छी है, बट वहाँ पे क्या ऊपर जो बल्ब लगे हुए हैं व्हाइट कलर के लगे हैं, तो सर क्या वहाँ पे ब्लू बल्ब लगाएंगे? लेकिन मैंने कर्टेंस चेंज करके ब्लू लगा दी है, बट जो बल्ब लगा हुआ है वहाँ पर जो 24 आवर्स ऑन रहता है वो व्हाइट कलर का, सर उसको ब्लू करना है? अभी कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी सर। बच्चों को अच्छा रिस्पॉन्स मिले और मतलब आई कैन डू बेटर। मैम वो आपको रेमेडीज बताई मैंने, आज की रिकॉर्डिंग सुनेगा मैम, उसमें रेमेडीज बताएंगे। डू दैट। हेलो जी मैडम, बता दीजिए। सर मेरे घर में ना सेंटर पिलर है, मैंने आगे से शॉप निकाल दी है, बट फिर भी येलो कलर का बल्ब मैम लगाओ सेंटर। सर मैं ना उसको तोड़वाना चाहती हूँ, बीम डलवा दें उसका? पक्का ऐसे कर दो, अगर तोड़वाना चाहते हो तो प्लीज तोड़वा दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से मेरे को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। पहले येलो बल्ब लगा लो और उसके बाद वो तोड़वा दो। कपूर में दिल्ली जलाती हूँ उसका, बस ठीक है। थैंक यू जी। निकिता मैम, लास्ट नॉट लीस्ट, निकिता मैम बताइए। सर मुझे ये पूछना था, ईस्ट में रेड बल्ब लगा सकते हैं बाथरूम के अंदर? बिल्कुल लगा सकते। एक छोटा सा सवाल, जो मिर्ची वाला रेमेडी है सर मेरे, निकिता मैम बोलिए 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 निकिता मैम बोलिए। सर साउथ ईस्ट कटा हुआ है और वहाँ पे बाथरूम का टांड बना हुआ है, तो मैं टांड पे रख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, एकदम रख दो, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, स्पीडी रिकवरी के लिए प्रेयर्स। थैंक यू। राम मोहन राव पुपला जी, एक नहीं बहुत लंबा नाम है इसलिए मैं लिंक ले लेता हूँ जी। राम मोहन राव जी, सर बोलिए। सर मेरे घर में कोई ना कोई बीमार पड़ते रह रहा सर, एक्चुअली मैं भी किडनी पेशेंट हूँ। तो सर किडनी के लिए उत्तर दिशा में आपके क्या है ये देखिए, पहले तो नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट, मेंडोर ही है सर उत्तर दिशा में, मेंडोर है। हाँ तो कोई बात नहीं, आपने ना वो अगर कोई ना कोई बीमार पड़ता है सॉल्ट वाइपिंग करनी है आपको घर में? वो तो कर रहे सर, वो कर रहे सैटरडे पानी से सॉल्ट पानी से नहा रहे रोज। सॉल्ट वाइपिंग करनी है रोज 10 दिन तक, नहाना है आपने केवल 3 दिन तक, और कपूर की टिक्की चलानी है सेंटर में अपने घर के, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू सर, तेजी से काम हो जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन ले रहे थे मोहित गुप्ता जी, मैं अनम्यूट कर दिया आपको। श्योर जी गुप्ता जी। हाँ सर, मेरा ना नॉर्थ वेस्ट में किचन है, दम ठीक कॉर्नर में ही है, नॉर्थ वेस्ट किचन है, और वो जो गैस बर्नर है वो एकदम नॉर्थ वेस्ट पे ही रखा हुआ है, तो मैंने डाउट किया था, तो वहां पर आया कि बहुत नेगेटिव एनर्जी है, हेल्दी फूड्स वगैरह नहीं होता है, तो घर में सब थोड़ा बीमार भी रहते हैं। साउथ ईस्ट में बल्ब लगा दो उन्होंने एक और रेड कलर, नॉर्थ वेस्ट में है किचन, मैं साउथ ईस्ट की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट में रेड कलर का बल्ब लगा लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट में रेड कलर का बल्ब। हाँ नॉर्थ वेस्ट के ठीक सामने वाली इधर साउथ ईस्ट है, वहां लगा लीजिए, लगा हुआ है। और नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट लगा लीजिए अपने किचन में, व्हाइट हाँ वो भी लगा हुआ है, बस अब डाउज कर रहा है इस बार वो ठीक बोलेगा। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतने शिद्दत से प्यार से सुना, अब मिलेंगे आपसे क्लास में, यानी जो है हमारी 30 चालू हो रही है परसों रात को 9:30। हाँ 9 सर, 1 सेकंड दीजिए प्लीज, अनम्यूट करें आचार्य जी। कही सर जी, सर कुछ कह रहे थे आचार्य जी आप? ना मैंने 9 बजे से रखेंगे 9:30 से रखेंगे, जैसे आप बोलो सर। ठीक है, वैसे 9:30 का रखा है सर। ठीक है 9:30 to 11 है ना, सो ये क्लासेस चालू हो जाएंगी 30 नवंबर से, सो प्लीज
ज्वाइन टू फॉर योरसेल्फ, अपने जीवन को बदलने के लिए 30 नवंबर को परसों शाम को क्लासेस चालू हो जाएंगी, तो ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर है 7715930333। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333। सर आपके और पूरे परिवार के लिए, आप सब गुरु परिवार के लिए जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, उसके लिए प्रार्थना बहुत सारी स्पीडी रिकवरी प्रार्थना सर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, वी कैन बी पहले वही पूरी एनर्जी के साथ कहिए, यस आई कैन, आई विल, आई एम विल टू सक्सेस, यस आई कैन, आई वांट, आई विल टू सक्सेस, फिर गलती नहीं, यस आई कैन, आई विल, वेल आई वांट टू सक्सेस, यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू सक्सेस, यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम, राधे टू ऑल, जय गुरु, थैंक यू सो मच सर, मेरा क्वेश्चन रह गया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, मेरा क्वेश्चन रह गया।